गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग मेरे तरफ से, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी आओ, बताओ एक बार मेरी आवाज वगैरह प्रॉपरली आ रही है क्या, और सब कुछ प्रॉपर है क्या? एक बार प्लीज मेरे को चैट में कंफर्म कर दीजिए कि आवाज वगैरह भाई साहब प्रॉपर आ रही है क्या, स्क्रीन वगैरह जो है वो सब कुछ क्लियर है क्या? जल्दी जल्दी आ जाओ भाई। कहाँ रह गए? जल्दी आ जाओ भाई, कहाँ रह गए सब लोग? गुड मॉर्निंग वर्षा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कहाँ रह गए हो भाइयों और बहनों? जल्दी आ जाओ, सो दैट हम जो आज का आपका फर्स्ट लेक्चर है टैक्स का, वो क्या करने वाले हैं, वहां पे स्टार्ट करने वाले हैं। भाई साहब बहुत ज्यादा सीखने मिलने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है ना? तो इसीलिए फटाफट से सब एक बार परफेक्ट है क्या, क्लियर कर दीजिए। ओके परफेक्ट है विधि वर्षा। नहीं बेटा ये डेमो चल रहे हैं, इसके बाद आपकी ऑफिशियल ऐप पे क्लासेस होती है, यूट्यूब पे क्लासेस नहीं होती एग्जीक्यूटिव की, ऑफिशियल ऐप है सीएस कार्ड इंडिया का, उस पे होती है। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ओके। मनस्वी बोलती है ऑल क्लियर, ओके। चलिए तो भाई साहब आज क्या करने वाले हम लोग, तो सबसे पहले आज हम लोग भाई साहब दिख ही रहा है स्क्रीन पे आपका एक नया सब्जेक्ट, और एक लाइफ में फर्स्ट टाइम आप ये सब्जेक्ट क्या करने जाओगे, पढ़ने जा रहे हो, जिसका नाम है टैक्सेशन, जिसका नाम है टैक्स लॉस, ठीक है ना? टैक्सेशन बोलते हैं, टैक्स लॉस बोलते हैं। तो भाई साहब मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है ना, ये जो सब्जेक्ट है ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे लिख के स्टैम्प पेपर पे लिख के देने को तैयार हूँ कि भाई साहब ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। सर अभी फेवरेट है तो नहीं, तुम पढ़ना तो चालू करो और देख लेना कि बाय द एंड ऑफ दिस क्लास 100% ये चांसेस है कि तुम्हारा ये सब्जेक्ट क्या बन जाए, फेवरेट बन जाए। क्लियर? तो भाई साहब सबसे पहले सभी को मेरे तरफ से बहुत 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 ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस कि भाई साहब आप लोगों ने सीएसईटी का जो पहला पड़ाव था वो क्या कर लिया, बहुत ही बढ़िया नंबर से पास कर लिया, ठीक है ना? सर करंट अफेयर थोड़ा हार्ड आया था, बट सबसे ज्यादा मार्क्स उसी में मिले। फिर कैसे मिले, ठीक है ना? तो बेसिकली पॉइंट ये आता है कि सीएसईटी एक पहला पड़ाव था जो आप लोगों ने पास कर लिया। नाउ आप लाइफ के सेकेंड स्टेप पे आ चुके हो, टोटल 3 स्टेप से आपके सीएस बनने के लिए, ठीक है ना? ईटी, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल, तो आप सेकेंड स्टेप पे आ चुके हो। तो वेलकम टू सीएस कार्ड इंडिया सीएस एग्जीक्यूटिव क्लासेस। भाई साहब सीएस एग्जीक्यूटिव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ आई नो अपने ही बच्चे, अपन ही लोग हैं पुराने वाले, ठीक है ना? बट आई कैन प्राउडली से कि भाई साहब ये जो बच्चे हैं ये लोगों ने सीएसईटी में फोड़ के आए हैं, ठीक है ना? अच्छा खासा फोड़ के आए हैं, और यही सारे बच्चे जो है यही एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी एक नंबर तरीके से क्या करने वाले, फोड़ने वाले हैं। मेरे को एक बार चैट में बता दो कि भाई साहब जैसा सीएसईटी में एकदम जोर से फोड़े थे वैसे ही क्या हम एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी फोड़ के दिखाएंगे? एक बार चैट में बता दो क्या हम एग्जीक्यूटिव में भी उसी तरीके से फोड़ के दिखाएंगे, और क्या आपके अंदर वो जोश वो जज्बा अभी भी वैसा ही बरकरार है जैसा ईटी में था, या उससे भी ज्यादा है? एक बार चैट में बताओ फटाफट, सारे बच्चे चैट में बताएंगे। और लाइक वगैरह तो आपका भाई बोलने की जरूरत नहीं है, अपने लोगों से क्या लाइक की डिमांड, वो आपको पता ही है, लाइक शेयर कमेंट। जल्दी जल्दी बताओ क्या बात है, सब अपने अपने मार्क्स बता रहे हैं। भैया मार्क्स मेरे को सबके मालूम है, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस उसके लिए। चलिए सो बच्चे बोल रहे हैं सर फोड़ के दिखाएंगे, जोरदार फोड़ेंगे, ठीक है ना? वेरी गुड। चलिए तो भाई साहब अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग अपना टैक्सेशन सब्जेक्ट। तो सबसे पहले देखो कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने के पहले ना, मेरी हमेशा आदत है कि कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने के पहले हम उस सब्जेक्ट के बारे में क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। मतलब वो सब्जेक्ट क्या है, उस सब्जेक्ट के अंदर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो वो सब्जेक्ट के बारे में हम डिटेल में क्या कर लेते हैं, पहले तो जान लेते हैं, ठीक है ना? कि वो सब्जेक्ट बना ही क्यों। मतलब तुम्हारा भाई ऐसा नहीं पढ़ाता है यहाँ पे कि तुम्हारे को बस आऊंगा टैक्स पढ़ा के चले जाऊंगा, नहीं 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 नहीं, हम लोग यहाँ पे टैक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंटली कोई भी सब्जेक्ट के अंदर हम लोग क्या स्टडी करने की कोशिश करते हैं, क्या गेन करने की कोशिश करते हैं, डेप्थ नॉलेज। तो यहाँ पे मैं अब पूरा ट्राई करूंगा कि आप लोगों को मैं क्या दे दूँ, डेप्थ नॉलेज दे दूँ, ठीक है ना? मैं टैक्स में सिर्फ ऐसा नहीं कि टैक्स हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, नहीं भाई, हम टैक्स के अंदर क्या करते हैं, डेप्थ नॉलेज लेते हैं, क्योंकि यही सब्जेक्ट है जो आपको लाइफ टाइम अच्छा खासा पैसा और रिस्पेक्ट कमा के दे सकता है। मतलब ये सब्जेक्ट में इतनी कैपेसिटी है कि ये लाइफ टाइम तक आपको अच्छा खासा पैसा और रिस्पेक्ट क्या करके देगा, कमा के दे सकता है। बट एक चीज हमेशा याद रखना कि कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमेशा वो सब्जेक्ट के दो चीजों के ऊपर आपका बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए। एक है वाई, सबसे ज्यादा अगर डेप्थ नॉलेज आपको लेना है ना, तो अपने माइंड को क्वेश्चन, देखो थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं पहले कि पढ़ते कैसे हैं,
थोड़ा सा ये समझ लो कि पढ़ते कैसे हैं, समझ में आ रही बात, उसके बाद हम बात करेंगे कि हमको क्या क्या पढ़ना है। तो भाई साहब सबसे पहले बात आती है वाई की, यानी यहां पे हम लोगों को पहले गेन करना है डेप्थ नॉलेज, और काय की स्टडी करना है, वाई की स्टडी करना है। सर वाई मतलब कि भाई ये क्यों आया, टैक्स ही क्यों बना, टैक्स नहीं होता तो क्या होता, टैक्स क्यों बनाया गया, गवर्नमेंट टैक्स हमसे क्यों लेती है, अच्छा गवर्नमेंट इतना ही टैक्स क्यों लेती है, सर ये तो लॉ है, सर ये तो कानून है, तो क्या हुआ, उसके पीछे भी तो वाई रहता है ना, मतलब रीजन रहता है ना, मतलब लॉजिक रहता है ना। तो कोई भी चीज का लॉजिक एज इन आप रीजन जब तक नहीं समझोगे ना, तब तक आपको वो सब्जेक्ट में क्या नहीं आएंगी, मजा भी नहीं आएंगी, और ना वो सब्जेक्ट में आप डेप्थ नॉलेज क्या कर पाओगे, हासिल कर पाओगे। तो अपने माइंड को एकदम क्वेश्चन माइंड बना दो, और हर पॉइंट के बाद आपके दिमाग में ये क्वेश्चन अरेज होना चाहिए, ऐसा क्यों, वाई दिस, वाई दैट। तो आप बहुत ज्यादा हद तक क्या गेन करोगे टैक्सेशन के अंदर, या कोई भी सब्जेक्ट के अंदर बहुत हद तक आप डिटेल नॉलेज क्या करोगे, गेन करोगे, ठीक है ना। तो वाई टैक्स, या दूसरा एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, व्हाट इज टैक्स, वाई और व्हाट, ये जिंदगी में उतार दिए तुमने, तो इसका मतलब समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी एकदम खुशहाल होगी। तो सबसे पहले तुमसे ही बातचीत करना चालू करता हूं मैं, और तुमसे जानना चाहूंगा कि जीवन में अगर तुमने कभी सुने हो जीवन में तुमने कभी सुने हो या कहीं पढ़ा है, तो मैं तुमसे सुनना चाहूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स, आपको क्या लगता है कि टैक्स क्या है, और क्यों गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले रही है, क्या है टैक्स, क्या है क्या टैक्स, आप लोगों को क्या लगता है, प्लीज मेरे को एक बार चैट में आंसर देके बताएंगे कि आप लोगों को क्या लगता है कि भाई व्हाट इज टैक्स, क्या है टैक्स, क्या सुना है आपने। देखो टू वे कम्युनिकेशन रहेगा ना तो बहुत मजा आएगी पढ़ने में, सिर्फ ऐसा कि मैं बोलते जा रहा हूं भैया आया है प्रवचन देंगे और प्रवचन देके चले जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना आता है। टू वे कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा क्या है मालक, जरूरी है, ठीक है ना। तो बताओ एक बार चैट में, जहां सुना है, जैसा सुना है, सब कुछ, जितना जहां जैसा सुना है सब कुछ बताओ एक बार, जितना तुमको पता है कि भैया तुमने टैक्स के बारे में क्या सुन रखा है, क्या है टैक्स, व्हाट इज टैक्स, व्हाई टैक्स, ये सब बातें। गुज्जर बोलता है भाई लगान, अच्छा सर ग्रुप वन ग्रुप टू, बेटा वो आप लोगों को बोथ ग्रुप का क्या करना है, नॉलेज लेना है, ठीक, आप लोगों को बोथ ग्रुप की पढ़ाई करनी है। तो आज एक सब्जेक्ट ग्रुप वन का हुआ, एक सब्जेक्ट ग्रुप टू का हो रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से अभी ये जो डेमोस चल रहे हैं, डेमोज एज इन ये जो आपकी स्टार्टिंग वाली क्लासेस चल रही है, तो ये इस तरीके से अभी है, ठीक है। चलिए सर, बच्चे बोलते हैं सर गवर्नमेंट का रेवेन्यू, गवर्नमेंट का लगान, पेइंग अ पार्ट ऑफ अर्निंग टू द गवर्नमेंट, अरे बाप रे बाप, टैक्स लेटर टैक्सिंग वो बाप रे, एक्सपेंसेस करके इनडायरेक्टली, टैक्स जो गवर्नमेंट हमसे लेती है इनडायरेक्टली, बाप रे, टैक्स इज अ सोर्स ऑफ इनकम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, रेवेन्यू, अरे बाप रे सर, फीस एक तरह की जो अपन, ये तो मेरा स्टूडेंट है पुराना, यानी कि हफ्ता वसूली, वाह भाई वाह, क्या क्या नाम दे रहे हैं, क्या क्या नाम दे रहे हैं भाई तुम लोग, हफ्ता वसूली कौन बोलता है बे चलो सो ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोग बोल रहे हो, मैं आपको उसके बारे में पूरा गाइड करता हूँ और डिटेल में हम बात करते हैं। देखो सबसे पहले एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो कि टैक्सेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना भाई साहब। देखो टैक्सेशन के मतलब की भी पहले एक चीज़ समझ लो कि तुम्हारे को जो लगता है ना कि टैक्स अभी अभी आया है, कई सारे लोग हैं, पीपल जनरली थिंक्स दैट कि टैक्स जो है अभी अभी रिसेंट में आया है, मतलब कई लोग तो बोलते हैं कि मोदी जी आए, मोदी जी ने टैक्स लेके आए, बोले ऐसा नहीं है। मतलब कई लोग बोलते हैं कि सर आज़ादी आई, आज़ादी के बाद टैक्सेशन लागू हुआ, नहीं साहब ये गलत फहमी है बहुत। टैक्सेशन भाई साहब इसके कई सारे एविडेंस है, कई सारे प्रूफ है कि भाई साहब टैक्सेशन जो है वो एंशियंट जमाने से लगे हुआ है, पास्ट राजा महाराजाओं के जमाने से, उसको उस समय, ठीक है ना, उस समय से लगे आ रहा है, मतलब राजा महाराजा के जो जमाना था ना उस समय से ये टैक्सेशन जो है लगा आ रहा है। उस समय कर हिंदी में बोलते थे, फिर लगान, लगान दुगना लगान वसूल करेंगे तुमसे दुगना, तो बेसिकली ये क्या है, ये आज के टाइम में नहीं आया है, मतलब ये कई लोगों को आज भी गलत फहमी है कि टैक्सेशन की उपज अभी कुछ सालों पहले हुई है, 10-20 साल 50 साल पहले, नहीं भाई, राजा महाराजाओं के जमाने से ये चले आ रहा है टैक्स लगान, और ये कभी खत्म नहीं हो सकता, आने वाले समय में कभी ये खत्म नहीं हो सकता सर। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो चल रही है आज की तारीख में, जो हमारा देश चल रहा है, वो कहीं ना कहीं इन टैक्स के पैसों से ही चलता है। देश को जो चलाया जा रहा है, वो गवर्नमेंट जो ये देश को रन कर रही है, तुम देखते हो गवर्नमेंट रोड बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, मेट्रो बनाती है, रेलवेज बनाती है, हॉस्पिटल्स बनाती है, पुलिस की सिक्योरिटी आपको देती है, ठीक है ना। तुम्हारे झगड़ा हो गया किसी के साथ, मारा पीटी हो गई, तुम सीधे चल पुलिस स्टेशन,
अब पुलिस स्टेशन वाला तुम्हारे फ्री में केस सॉल्व करके देता, तुम्हारा चच्चा लगा कि पुलिस स्टेशन वाला जो तुमको फ्री में सॉल्व करके दे रहा, क्योंकि गवर्नमेंट उसको पगार दे रही है। और गवर्नमेंट वो पगार कहां से दे पा रही है, जो गवर्नमेंट को पब्लिक से क्या मिल रहा है, टैक्स का पैसा। सो दैट मीन्स टैक्स का जो पैसा होता है वो गवर्नमेंट के लिए एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। सोर्स ऑफ रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट की कमाई है। जैसे मेरा पढ़ाना काम है, पढ़ा के मैं पैसे कमा रहा हूं, वैसे गवर्नमेंट के लिए वो टैक्सेशन एक रेवेन्यू है। और वो टैक्सेशन का पैसा गवर्नमेंट पब्लिक के लिए क्या करती है, खर्चा करती है। और ये राजा महाराजा पहले लेते थे अपनी प्रजा से टैक्स, फिर ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने लिए, फिर अब हमारी कंट्री डेमोक्रेसी में आ गई। डेमोक्रेसी में आने के बाद हमने जो अपॉइंटेड गवर्नमेंट होती है वो गवर्नमेंट क्या ले रही है हमसे, टैक्स। और वो पैसा हमारे ऊपर ही क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है। समझ मेरी बात, वो पैसा हमारे ऊपर ही क्या हो रहा है, माला खर्चा हो रहा है। मतलब इसके कई सारे प्रमाण है। सर ये कौन है, सर ये चच्चा कौन है, सर ये चच्चा कौन है सर हमारे? अरे भाई साहब, ये हमारे कौटिल्य अर्थशास्त्र आपको पता होंगे ना, आचार्य चाणक्य, ठीक है ना। हाँ, ये मनुस्तुति भाई साहब, ये पुरानी पुरानी बुक से मैं कहाँ से बात लेके आऊँ, आप समझ रहे हैं? इतनी पुरानी बात तो सर, इतनी पुरानी हिस्ट्री, हम तो ऐसा लग रहा है हिस्ट्री पढ़ रहे सर। अरे नालायक, अगर तू पूरे बैकग्राउंड समझेगा ना कोई भी सब्जेक्ट का, रादर सिर्फ बस मजा आ रहा है, बस मजा आ रहा है, इससे ज़्यादा बैकग्राउंड समझोगे ना कोई भी सब्जेक्ट का तो तुम्हारे को मजा आ जाएंगी। मतलब तुमने यहाँ से समझना चालू करे कि भाई टैक्सेशन की उपज ये मनुस्तुति कौटिल्यास अर्थशास्त्र वहां से हुई है, वहां से हुई है। मतलब भाई साहब, जो हमारे आचार्य चाणक्य साहब थे, उन्होंने बोला था ये बात कि भैया अगर देश का भला करना है तो देश का भला करने के लिए उनसे टैक्स लो, और वही टैक्स का पैसा उन्हीं के ऊपर क्या करो, खर्चा करो, तभी देश का क्या होगा, भला होगा, कोई भी देश तभी क्या हो पाएगा, डेवलप हो पाएगा। खैर, ये तो बहुत पुरानी पुरानी बातें हैं। मतलब यहां तक हम जा रहे हैं इतने बेसिक में। कई लोगों को लगता है सर हिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हो, भाई साहब मैं फिर से बता रहा हूं, दिस इज नॉट ओनली हिस्ट्री, ये भाई साहब ये समझ के तुमको फ्यूचर समझ में आएगा, ये समझ के तुमको टैक्सेशन क्यों बना, कैसे बना, क्या प्रोविजंस होती है, वो सब तुम्हारे पास एक के बाद एक क्या होंगी, समझ में आएंगी। क्लियर? तो इतनी बात क्लियर है मेरे साथ कि टैक्सेशन जो आया वो कब से आया, एंशियंट जमाने से। आचार्य वो कब से आया, एंशियंट जमाने से। मनुस्तुति, विश्व विख्यात महर्षि मनु जो थे उनकी मनुस्तुति, उसमें भी टैक्सेशन का जिक्र है। कौटिल्यास अर्थशास्त्र, कौटिल्यास अर्थशास्त्र उसके अंदर भी टैक्सेशन का क्या है, जिक्र है। समझ रहे बात को, यहां से आया है। कालिदास साहब ने क्या बात बोली भाई साहब, ये कौन है कालिदास साहब, इन्होंने टैक्सेशन के लिए क्या बात बोली, इन्होंने बोली इट वॉज ओनली फॉर द गुड ऑफ हिज सब्जेक्ट दैट ही एज इन गवर्नमेंट, इट वॉज ओनली फॉर द गुड ऑफ हिज सब्जेक्ट दैट ही एज इन गवर्नमेंट कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम देम। थोड़ा ध्यान से समझो, इट वॉज ओनली फॉर द गुड ऑफ हिज सब्जेक्ट दैट ही कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम देम। देम मतलब किससे, पब्लिक से। देम मतलब किससे, पब्लिक से। बेसिकली इसके वर्डिंग का बोलने का मतलब क्या है, कालिदास साहब बोलते हैं कि भैया देखो, जो भी गवर्नमेंट पब्लिक से टैक्सेस कलेक्ट करती है ये उन्हीं के लिए करती है। इट वॉज ओनली फॉर इज गुड ऑफ इज सब्जेक्ट दैट, कि गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक से क्या कलेक्ट कर रही है, टैक्सेस कलेक्ट कर रही है। बोले ऐसा समझो इसको, जस्ट लाइक सन जो है, सूर्य मैं नहीं बे सन, हाँ सन जो है वो ड्रॉ कर रहा है मॉइस्चर कहां से, अर्थ से, और उसी के बदले में अर्थ को क्या दे रहा है, थाउजेंड्स ऑफ फोल्ड दे रहा है। सर नहीं समझा, मतलब इसका ये बोलने का मतलब है, बोले जस्ट लाइक सन, सन क्या करता है, मॉइस्चर ड्रॉ करता है कहां से, अर्थ से, और अर्थ को सनलाइट और बाकी सारी चीजें क्या करता है, प्रोवाइड करता है। सन क्या करता है, अर्थ, मैं को ज्यादा सन वन के बारे में पता नहीं, लेकिन फिर भी सन क्या करता है, मॉइस्चर ड्रॉ करता है किससे, अर्थ से, और अर्थ को अलग अलग फॉर्म में क्या करता है, प्रोवाइड करता है सनलाइट और बाकी फॉर्म्स में, ठीक है ना। तो बेसिकली बोलने का मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट भी वही कर रही है, गवर्नमेंट पब्लिक से ही टैक्सेस पैसा कलेक्ट करती है और वो पैसा पब्लिक के ऊपर ही खर्चा करती है। बहुत लोगों को यह बात अभी भी नहीं पता है कि गवर्नमेंट जो पैसा लेती है वो पैसा ऐसा नहीं है, दैट इज नॉट लाइक कि वो गवर्नमेंट पैसा अपने ऊपर खर्चा कर रही है, नहीं, टैक्सेस का पैसा पूरा किसके ऊपर खर्चा होता है, पब्लिक के ऊपर। हाँ सर, वो अलग बात है कि छोटे मोटे स्कैम गवर्नमेंट वाले कर लेते हैं, वो अलग बात है, दैट टाइम वो तो कुछ अलग बात है ना, छोटे मोटे स्कैम गवर्नमेंट कर लेती है वो अलग बात है, बट वैसे तो टैक्स का पैसा भैया कहां पे खर्चा होता है, पब्लिक पे ही खर्चा होता है। तो भाई साहब यहां से इसकी उपज है। तो थोड़ा सा मैं ज्यादा हिस्ट्री में चले गया, ठीक है ना, लेकिन ये बहुत जरूरी है। बोला यहां तक एक मिनट क्लियर है क्या, आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है क्या? देखो सिंपल है, टैक्स यहां से नहीं आया, टैक्स कहां से आया है, मनुस्तुति में भी टैक्स के बारे में लिखा हुआ है, कौटिल्यास अर्थशास्त्र, ठीक है ना। फिर टैक्स जो है भाई साहब वो इसलिए लिया जाता है ताकि पब्लिक का ऊपर उसको क्या करा जा सके, खर्चा करा जा सके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सब जिंदगी में दो चीज याद रखना,
दो चीज जिंदगी में याद रखना, जो पैदा हुआ है वो आदमी मरेगा, और जिस बंदे ने इनकम कमाया है वो बंदा क्या करेगा, जय श्री राम भाई, जय श्री राम, ठीक है ना। जो बंदा पैदा हुआ है वो मरेगा जरूर, तो और जो बंदे ने पैसा कमाया है, इनकम कमाया है, वो टैक्स भी भरेगा। दैट मीन्स देयर आर टू थिंग्स इन द लाइफ जो आप एविएट नहीं कर सकते, दैट इज टू इनएविएटेबल थिंग्स इन लाइफ, दैट इज इनकम टैक्स एंड डेथ। मतलब आप देखो कितनी भारी बात बोल दी है, इनकम टैक्स को डेथ के साथ जोड़ दिया, बोले तुम पैदा हुए तो तुम मरोगे, तो तुमने इनकम कमाई तो तुमको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो इन इंडिया टैक्सेस आर लेविड फ्रॉम एंशियंट टाइम, रेफर टू मनुस्तुति एंड अर्थशास्त्र। भाई साहब इंडिया के अंदर जो एंशियंट टाइम से क्या चले आ रहे हैं, टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। आप मनुस्तुति अर्थशास्त्र इसको क्या कर सकते हो, रेफर कर सकते हो। वाई टू पे टैक्स, आंसर मिला क्या, वाई टू पे टैक्स, पब्लिक इज पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट वही पैसा पब्लिक के भले के लिए क्या करती है, खर्चा करती है। मतलब जो तुम टैक्स का या मैं जो टैक्स का पैसा दे रहा हूं, उसका आंसर सिंपल कालिदास साहब ने बोल दिया है कि भैया देखो गवर्नमेंट हमसे जो पैसा ले रही है वो हम पे क्या करेंगी, खर्चा करेंगी, इसीलिए हमको टैक्स पे करना कंपलसरी है, जरूरी है, ताकि गवर्नमेंट वही पैसे को हमारे बेनिफिट के लिए क्या कर सके, खर्च सके, खर्चा, ठीक है। अरे मजा आ रही है क्या, बताओ, क्लियर सर, कितनी पुरानी बात है। हाँ इतनी पुरानी बात है साहब, आपको मजे की बात बताओ क्या, बहुत मजे की। इनकम टैक्स एक्ट, ऐसे तो और भी हिस्ट्री है वो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट जो आया वो 1922 सबसे पहले इंडिया में लीगलाइज करते हुए लॉ के फॉर्म में, एक्ट के फॉर्म में, कानून के फॉर्म में इनकम टैक्स एक्ट आया 1922 में। बोलो मेरे साथ कब आया, सबसे पहले इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट बना 1922 में। फिर उसके बाद 1961 में फिर से ये चेंज हुआ। सर जैसे समझा नहीं हमको, कैसा बोलने का मतलब, जैसे अगर आपको याद होगा कि कंपनी लॉ पहले 1956 का था, अगर आपको याद होगा कि कंपनी लॉ जो था वो पहले 1956 था, फिर इसको हटा के नया वाला कंपनी लॉ लाए 2013 में, नया कंपनी लॉ लाया गया, वैसे इनकम टैक्स के साथ हुआ। इनकम टैक्स जो है वो आजादी के पहले से चले आ रहा है, 1922 इनकम टैक्स एक्ट, मतलब कानून बनाया गया था इनकम टैक्स एक्ट 1922 में, ठीक है ना। उसके बाद 1961 में फिर से वो एक्ट को क्या करा गया, चेंज करा गया, उसके अंदर भारी मात्रा में अमेंडमेंट्स आए, चेंजेस आए, अमेंडमेंट्स मतलब चेंजेस आए। और जो भी साल में, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जो भी साल में भारी मात्रा में अमेंडमेंट्स आते हैं, चेंजेस आते हैं, ठीक है ना, वो साल में हमारा एक्ट क्या हो जाता है, पूरी तरीके से चेंज। तो 1922 की अगर हम बात करें तो 1922 में इनकम टैक्स एक्ट बना था, फिर 1922 के बाद वो कहां पे आ गया, 1961 में, मतलब 1922 से तो वो हट गया, मतलब वो वाला एक्ट रिप्लेस हो गया। और आज की तारीख में कौन सा वाला इनकम टैक्स एक्ट रन हो रहा है, आज की तारीख में इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या हो रहा है, रन हो रहा है। आज की तारीख में क्या रन हो रहा है, 1961 में 1961 का इनकम टैक्स एक्ट रन हो रहा है। तो अगर आज मैं आपको बताऊं, आज हमको जो पढ़ना है इनकम टैक्स एक्ट, हम जो इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने वाले हैं अभी, वो पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961। सर 1922 वाला हमको नहीं पढ़ना है, नहीं वो चेंज हो गया, वो हट गया, जस्ट लाइक 1956 का कंपनी जो हट गया था, उसकी जगह 2013 आ गया। तो वैसे 1961 में भी इनकम टैक्स एक्ट क्या हो गया था, चेंज, और उसके बाद से इनकम टैक्स एक्ट 1961 आ गया। हमको कौन सा पढ़ना है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, हाँ या ना, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, बोलो। फिर बनाया गया इनकम टैक्स रूल 1962 में। सर ये रूल्स क्या होते हैं, भैया एक्ट को चलाने के लिए कुछ हेल्प लगती है, हम डिटेल में पढ़ेंगे रूल्स आगे में, देखो कुछ चीजें हम आगे पढ़ने वाले डिटेल में, बट अब इतना समझ लो कि कानून चलाने के लिए, एक्ट को चलाने के लिए कुछ रूल्स की जरूरत होती है, तो इसीलिए उसके बाद में नेक्स्ट ईयर में क्या बनाए गए, 1962 में एक्ट रूल्स बनाए गए। देखो पहले क्या बनाया गया, एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, फिर क्या बनाया गया 1962 में, इनकम टैक्स रूल। बोलो मेरे साथ, 1961 में क्या बनाया गया, इनकम टैक्स एक्ट, फिर 1962 में क्या बनाया गया, इनकम टैक्स रूल्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, यस सर नो। तो इनकम टैक्स रूल्स कब बने, 1962 में, समझ में आ रही बात, इनकम टैक्स रूल्स कब बने, 1962 में, क्लियर। तो ये छोटा सा मैंने पहले क्या दे दिया आपको, एक ओवरव्यू जो होता है, बेसिक ओवरव्यू वो दे दिया। अब मैं मेन मुद्दे की बात पे आ रहा हूं, यहां तक बेसिक ओवरव्यू थोड़ा सा क्लियर है क्या, ठीक है ना। हमने सिंपल चार पांच चीजें अभी तक देखे, और वो क्या, देखो मेरी आदत है बार बार रिवाइज कराने की, वही सेम पैटर्न मैं टेक्स्ट में भी फॉलो करता हूं,
ठीक है ना, और ये टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा काम भी आता है बच्चों को, ठीक है ना। सिंपल हमारा पैटर्न है क्या करने का, बार बार रिवाइज करने का। सबसे पहले कब आया, एंशियंट जमाने से आया हुआ है, इसके बारे में टेक्स्ट के बारे में कहाँ कहाँ चैट में आंसर आना चाहिए, टेक्स्ट के बारे में कहाँ कहाँ दिया हुआ है सर, मनुस्तुति अर्थशास्त्र में क्यों देना पड़ता है सर टेक्स्ट, तो कालिदास साहब ने बहुत सिंपल सी बात बोली कि बोले जस्ट लाइक अर्थ मॉइस्चर ड्रॉ करता है, सॉरी माय मिस्टेक, सन मॉइस्चर ड्रॉ करता है अर्थ से, ठीक है ना, ताकि अर्थ को थाउजेंड्स ऑफ फोल्ड मतलब सनलाइट और बाकी चीजें दे सके, वैसे ही पब्लिक से गवर्नमेंट टैक्स लेती है ताकि पब्लिक के ऊपर खर्चा किया जा सके, और कानून के फॉर्म में ये टैक्सेशन लिया जाता है। इसका एक्ट बनाया गया था 1922 में सबसे पहले, उसके बाद वो एक्ट चेंज हुआ फिर 1961, आज जो हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, आज जो हमारी कंट्री में इनकम टैक्स एप्लीकेबल है, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 विद रीड विद द रूल्स इनकम टैक्स 1962। क्लियर? हाँ या ना, क्लियर और नॉट बोलो राधा, क्लियर और नॉट? ए राधा बोल ना, क्लियर? चलो भाइयों, चलिए आगे बढ़े। अरे तुम देखते जाओ क्या लेवल में मजा आता है साहब। आपको पता है क्या हमारी कंट्री, मतलब देखो टैक्सेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है यार जो सब्जेक्ट तुम्हारा पूरा लाइफ करियर बना सकता है। मतलब कंपनी सेक्रेटरी तो तुम बनोगे, बट कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद तुम चाहो ना तो पूरी लाइफ सिर्फ टैक्सेशन की फील्ड में काम कर सकते हो। इतना पैसा है इसके अंदर। तुम सिंपल सा सोचो ना, लोगों को इतना ज्यादा टैक्स भरना पड़ता है, तुमने उनकी थोड़ी हेल्प कर दी टैक्स बचाने में, क्योंकि तुमको टैक्स का अगर डेप्थ नॉलेज आ जाता है तो वो तुमको पैसा नहीं देंगे, सच में बहुत देंगे। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो हमारी कंट्री के अंदर भाई साहब टैक्सेशन जो है वो दो टाइप के टैक्सेस है। बेसिकली हमारी कंट्री के अंदर जो टैक्सेस डिवाइडेड है वो दो टाइप के है। पहला है डायरेक्ट टैक्स एंड अनादर इज इनडायरेक्ट टैक्स। पहला अगर मैं बात करूं तो क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। एक सेकंड जस्ट, पहला अगर मैं बात करूं तो क्या है भाई साहब, डायरेक्ट टैक्स दैट इज इनकम टैक्स, और दूसरा क्या है भाई साहब, इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज जीएसटी। तो पहला और दूसरे में क्या फर्क है थोड़ा ध्यान से समझेंगे, थोड़ा स्क्रीन बड़ी कर देता हूं तो कि आपको समझ में अच्छे से। सबसे पहले बात करते हैं हम डायरेक्ट टैक्स। सर हमारी कंट्री में दो दो टाइप के टैक्सेस क्यों है बताऊंगा, बट थोड़ा सा उसके बारे में पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। सर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? सर देखो सिंपल नाम में ही मतलब है उसके, ऐसा टैक्स जो गवर्नमेंट पब्लिक से डायरेक्टली क्या करती है, वसूल करती है। ऐसा टैक्स जो गवर्नमेंट पब्लिक से डायरेक्टली क्या करती है, वसूल करती है, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, डायरेक्ट टैक्स। सर कितना वाहियत आंसर दिया सर आपने, इतना वाहियत। सर डायरेक्ट टैक्स का मतलब जो गवर्नमेंट पब्लिक से डायरेक्टली वसूल करती है। हाँ बिल्कुल सही बात, पब्लिक जो गवर्नमेंट से डायरेक्टली, गवर्नमेंट जो पब्लिक से डायरेक्टली वसूल करती है, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्स। मैं फैक्ट बोल रहा हूं, मजाक थोड़ी ना कर रहा हूं। एग्जाम्पल के अंदर उसके लिए आता है इनकम टैक्स, यानी इनकम टैक्स जो है वो एक, वो डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। डायरेक्ट टैक्स एक ब्रॉडर हेड है, उसके अंदर क्या आता है, इनकम टैक्स आता है। उसका एग्जाम्पल क्या है, इनकम टैक्स। थोड़ा सा आपको क्लैरिटी से समझाता हूं। सपोज करो, चलो एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको क्लैरिटी आएंगी। और एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ध्यान से समझना, किसी का भी नाम लो। चलो हमारे किसका नाम ले भाई, किसका नाम लूँ मैं बताओ, किसका नाम लूँ, नुपुर। चलो अब मान लो हमारी नुपुर है, नुपुर बन गई सीएस। बहुत ध्यान से सुनना, नुपुर मान लो क्या बन गई भाई साहब, सीएस बन गई। नुपुर बन गई सीएस, कॉन्ग्रेचुलेशंस नुपुर, ठीक है ना। और नुपुर जो है वो सीएस तो बन गई, अब नुपुर ने क्या करी, सीएस बनने के बाद बहुत पैसा कमाई, ठीक है ना, मतलब जोरदार एकदम खतरनाक पैसा कमा रही। नुपुर ने बताया आपको क्या करा, नुपुर ने इनकम इनकम कमाई भाई साहब 1 करोड़ रुपए की।
नूपुर ने कितना पैसा कमाया, 1 करोड़ रुपए की इनकम कमाई, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। अब नूपुर ने अगर 1 करोड़ रुपए की इनकम कमाई है तो गवर्नमेंट नूपुर को क्या बोलेंगे, नूपुर नूपुर सुन, तूने जो 1 करोड़ रुपए की इनकम कमाई है ना, वो पूरे 1 करोड़ रुपए तेरे नहीं है। तो नूपुर बोलेंगे ए, ऐसा थोड़ी ना होता है, मैंने कमाई है, मैंने रात दिन मेहनत करी, मैं सीएस बनी, मैंने सीएस कट इंडिया में पढ़ाई करी, मैं सीएस बनी, रात दिन मैंने मेहनत करी, तो ये इनकम किसकी है, मैंने कमाई है भाई। गवर्नमेंट बोलती है ना जी ना नूपुर, ये जो इनकम है इस इनकम में से गवर्नमेंट का भी हिस्सा है। बोले मतलब, बोले देखो जनरलाइज कर रहा हूं मैं, वैसे टैक्स रेट्स अलग अलग है बट मैं जनरलाइज कर रहा हूं, एकदम जनरल आंसर में दे रहा हूं कि बोले देखो नूपुर, ये जो तुमने कमाया है पैसा, इस पैसे के ऊपर तुमको 30% क्या देना पड़ेगा, टैक्स। वैसे टैक्स रेट्स अलग अलग होते हैं बट एक जनरल हम बात कर रहे हैं कि तुमको कितना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा, 30%। बोले मतलब ऐसा कि तुम्हारी जो 1 करोड़ रुपए की इनकम है, जितनी तुम्हारी इनकम है उसके ऊपर 30% लगा दो तो तुम्हारे हाथ, तुम्हारे को क्या देना पड़ेगा, 30 लाख का टैक्स। कितने का टैक्स देना पड़ेगा तुमको, 30 लाख का टैक्स। सर ये मतलब ऐसा कि नूपुर ने अगर 1 करोड़ रुपए कमाई तो वो आउट ऑफ दैट 1 करोड़ रुपीज नूपुर को सर 30 लाख रुपीज गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। हाँ सर, कायदे से अगर मैं बात करूं ना तो गवर्नमेंट इज लाइक योर पार्टनर, गवर्नमेंट तुम्हारी एक प्रकार की पार्टनर है। जनरल पार्टनरशिप फर्म की बात नहीं करो, एक जनरलाइज करके बात बता रहा हूं कि एक प्रकार से गवर्नमेंट तुम्हारी पार्टनर है। तुम साला मेहनत करोगे, दिन भर पैसा कमाओगे, मगजमारी करोगे और गवर्नमेंट सीधा उसमें से आ जाएंगी, बोलेंगे तूने जितना पैसा कमाया उसमें से 30% टैक्स मेरे को दे दे, ये तो मेरा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब यहां पे क्या होगा, पैसा कौन कमा रहा है, मेरे को चैट में आंसर चाहिए। नूपुर कमा रही है बराबर, पैसा कौन कमा रहा है, मेरे को चैट में आंसर चाहिए। सर ये मैंने टैक्स रेट 30% जनरलाइज करके लिए, वैसे 1 करोड़ रुपए के ऊपर इससे ज्यादा टैक्स निकल जाता है बट मैंने जनरलाइज करके अभी सिर्फ समझाने के लिए 30% टैक्स लिया हुआ है। टैक्स के रेट्स अलग अलग है, स्लैब रेट वगैरह बहुत सारी चीजें होती है जो हम आगे की क्लासेस में देखते हैं, बट आपको मैं कंसेप्ट समझाना हो एग्जांपल के लिए, इसलिए मैंने जनरलाइज करके 30% का रेट लिया हुआ है। ये मत मान के चलना कि 30% का ही रेट है, और भी रेट्स है टैक्स में, ठीक है। बताओ सर बच्चे देखो, अच्छा मेरे अंदर से ना खुशी हो रही है, सॉरी खुशी नहीं, मेरे अंदर से ना एक बात आ रही है कि सर नूपुर ने पैसा कमाई, हाँ अब नूपुर उसमें से भी 30 लाख रुपए क्या देंगी, टैक्स देंगी। क्या नूपुर तुम्हारा मन कर रहा है, या बाकी लोग अपना अपना नाम जोड़ लो नूपुर की जगह और सोचो तुम लोगों ने 1 करोड़ रुपए कमाए तो क्या तुम 1 करोड़ में से 30 लाख रुपए गवर्नमेंट को देने के लिए तैयार हो? आर यू ऑल रेडी कि तुम 1 करोड़ रुपए कमाओ और उसमें से 30% गवर्नमेंट को दे दो, तुम्हारे पास तो 70 लाख बचेगा। क्या तुम सब लोग रेडी हो इसके लिए? एक बार मेरे को चैट में बताओ, क्या तुम लोग सब लोग रेडी हो ये बात के लिए, और सच में तुम लोग ये पे करोगे? क्या तुम सब लोग रेडी हो पे करने के लिए? मान लो, अज्यूम कर लो कि तुमने 1 करोड़ रुपए कमाए, आधे लोग तो पगले हो गए सुन के, 1 करोड़ रुपए अज्यूम कर लो, मान लो, जस्ट इमेजिन तुम सीएस बन गए, तुमने 1 करोड़ रुपए कमा लिए और गवर्नमेंट बोल रही है टैक्स ला टैक्स 30% टैक्स, तुम देने को तैयार हो क्या? नहीं, चैट में मेरे को आंसर सभी बच्चों से चाहिए, जितने बच्चे बैठे हैं ना सभी बच्चों से आंसर चाहिए, सभी बच्चों से मेरे को आंसर चाहिए, क्या तुम लोग पे करोगे? सर वो ब्लैक व्हाइट सब करना सिखाऊंगा मैं, नहीं सॉरी ऐसे गलत बात नहीं कहना। सर आधे से ज्यादा बच्चे नहीं बोल रहे, एक आंधी दो बच्चे ईमानदारी से बोल रहे हैं, हाँ हाँ हम देंगे सर, वो भी पता नहीं झूठ बोल रहे कि सच पता नहीं, लेकिन 90% बच्चे नहीं बोल रहे। सोचो ना यार, तुमने तभी पैसे कमाए भी नहीं, इमेजिनेशन में तुम्हारी देने में फट रही है, तो एक्चुअली में जिसको देना पड़ता होगा उसकी कितनी फटती होंगी, बट देना तो पड़ेगा, तुमसे कोई पूछ नहीं रहा है, तुमसे कोई पूछ नहीं रहा है, गवर्नमेंट बोलती है भाई नूपुर तुमको टैक्स तो देना पड़ेगा। दिस इज द फैक्ट कि वॉट एवर यू आर अर्निंग, वॉट एवर इज योर इनकम, ऑन दैट इनकम यू हैव टू पे अ परसेंटेज जो गवर्नमेंट ने टैक्स के लिए बोल रखा है। तो सपोज तुमने 1 करोड़ रुपए कमाए तो नूपुर को एक्चुअली में 30 लाख रुपए उसमें से क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। यानी 1 करोड़ रुपए में से नूपुर के पास जो बचा दैट इज ओनली 70 लाख, यानी 70 लाख जो बचा वो नूपुर का है।
दिस इज कॉल्ड एज डिस्पोजेबल इनकम। ये क्या है डिस्पोजेबल इनकम, मतलब भैया ऐसा है कि जो तुम पैसा कमाते हो वो पूरा पैसा तुम खर्चा नहीं कर सकते। जितना नुपुर ने 1 करोड़ रुपए कमाई और नुपुर बोल रही है कि चलो मैं कल रेंज रोवर लेके आती हूँ 1 करोड़ की, नुपुर नहीं ले सकती। सर क्यों? आप सोचो बात को। नुपुर ने 1 करोड़ रुपए कमाई, नुपुर सोचती है कि मैंने 1 करोड़ रुपए कमाई, उसमें से मैं 1 करोड़ रुपए की रेंज रोवर लेके आती हूँ, कार या चार चार गोले वाली चूड़ी वाली गाड़ी ऑडी वो लेके आती हूँ बोले, पर नुपुर नहीं ला पाएंगी क्योंकि 1 करोड़ रुपए पूरे उसके है ही नहीं, उसके ये 1 करोड़ रुपए पूरे है ही नहीं। इसमें से उसको 30 लाख रुपीज क्या देना पड़ेगा, मतलब टैक्स देना पड़ेगा। शी हैज टू पे 30 लाख रुपीज आउट ऑफ दैट 1 करोड़ रुपीज एज अ टैक्स टू द गवर्नमेंट। टैक्स देना पड़ेगा किसको? गवर्नमेंट को। तो उसके हाथ में कितना बचेगा भाई साहब डिस्पोजेबल इनकम के तौर पे? 70 लाख। कितना बचेगा गवर्नमेंट के उसके हाथ में? 70 लाख एज अ डिस्पोजेबल इनकम। क्या बचेंगे? डिस्पोजेबल। डिस्पोजेबल मतलब अपने हिसाब से नुपुर 70 लाख खर्चा कर सकती है। अब नुपुर 70 लाख का कुछ भी करो उससे गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है, बट नुपुर पूरे 1 करोड़ रुपए खर्चा कर सकती थी क्या? नहीं। तो डिस्पोजेबल इनकम का मतलब हो गया कि नुपुर अपने हिसाब से अब 70 लाख जो उसके पास बचे हैं वो उसको कुछ भी कर सकती है, उसका कुछ भी खर्चा करे, उससे गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है। बट ये टैक्स का पैसा तो गवर्नमेंट को नुपुर को कंपलसरीली देना पड़ेगा ही पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये हो गई नुपुर, ये होगी गवर्नमेंट, ये होगी नुपुर, ये होगी गवर्नमेंट। मेरी बात समझना। ये होगी नुपुर, नुपुर ने इनकम कमाई, नुपुर ने क्या करी? गवर्नमेंट को क्या करी? टैक्स पेड करी। कितना? 30 लाख। तो मैं ऐसे ही तो बोल रहा हूं तब से कि नुपुर, नुपुर ने इनकम कमाई, अपनी इनकम के ऊपर नुपुर ने खुद ने 30 लाख रुपीज का 30% के हिसाब से डायरेक्टली गवर्नमेंट को क्या पे करी? टैक्स। सो दैट इज नथिंग बट डायरेक्ट टैक्स। कि नुपुर इज डायरेक्टली पेइंग हियर, नुपुर इज डायरेक्टली हियर, नुपुर इज डायरेक्टली पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो यहां पे नुपुर अपनी इनकम पे डायरेक्ट क्या कर रही है? टैक्स पे कर रही है। तो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्स। नुपुर यहां पे अपनी इनकम के ऊपर डायरेक्टली क्या पे कर रही है? टैक्स पे कर रही है। किसको? गवर्नमेंट को। तो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्स। यस। हां, तुमको हजम अभी नहीं हो रहा होगा, तुमको इनडायरेक्ट टैक्स समझने का ज्यादा अच्छे से हजम होंगी ये बात, बट दिस इज द फैक्ट कि जो बंदा इनकम कमाता है, जिसकी इनकम होती है, वही अपनी इनकम के ऊपर अपनी ही जेब से आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट गवर्नमेंट को क्या करता है? टैक्स पे करता है। तो नुपुर की जेब में पहले 1 करोड़ रुपए आए, फिर नुपुर ने अपने ही जेब से आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट, हर ओन पॉकेट नुपुर ने अपनी जेब से 30 लाख रुपए निकाले और डायरेक्टली गवर्नमेंट को क्या कर दिए? दे दिए। तो दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट? डायरेक्ट टैक्स। व्हेन टैक्स इज पेड, जब भी टैक्स जो होता है वो पे किया जाता है बाय द इनकम अर्नर, जो भी इनकम अर्न कर रहा है वो डायरेक्टली जब गवर्नमेंट को टैक्स देता है तो दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या है? इनकम टैक्स। तो कोई भी टैक्स को डायरेक्ट टैक्स कब बोला जाता है? जब आप डायरेक्टली वो किसको पे कर रहे हो? गवर्नमेंट को पे कर रहे हो। जब आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को क्या कर रहे हो? पे कर रहे हो। क्लियर? सिंपल, एकदम सिंपल। सर ये तो समझ गया डायरेक्ट टैक्स, इसमें कुछ था नहीं, लगा नहीं सर ऐसा खास, एकदम सिंपल है। हाँ, अब मजा आएंगे इनडायरेक्ट टैक्स समझने में। इनडायरेक्ट टैक्स देखो, तो डायरेक्ट टैक्स में आप देख रहे हो यहाँ डायग्राम बना हुआ है, ध्यान से अगर आप नोटिस करोगे तो, दिस इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ये टैक्स पेयर, तो ये क्या कर रहा है? टैक्स पेयर। ये टैक्स पेयर गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है डायरेक्टली, तो टैक्स कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट डायरेक्टली फ्रॉम द टैक्स पेयर। टैक्स जब भी कलेक्ट करा जाता है गवर्नमेंट द्वारा डायरेक्टली टैक्स पेयर से, जो टैक्स पे कर रहा है जब वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है तो दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में एग्जाम्पल क्या आ जाता है? इनकम टैक्स। अब तुम्हारे को डायरेक्ट टैक्स और अच्छे से समझ में आएगा जब हम बात करेंगे किसकी, तुम्हारे को डायरेक्ट टैक्स और अच्छे से समझ में आएगा जब हम बात करेंगे किसकी, इनडायरेक्ट टैक्स की। तो एक तरीका ये हो गया कि गवर्नमेंट ने तुमने जो इनकम कमाए, तुम्हारी इनकम पे गवर्नमेंट ने तुमसे क्या ले ली? टैक्स ले ली। एक तरीका ये हो गया। सर मेरे को एक आखिरी फिर से मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट करना चाहूंगा, मैं रिपीट करना चाहता हूं। मेरे को मालूम है तुम लोग बोलोगे सर क्या रिपीट कर रहे हो, बट मैं रिपीट करना चाहता हूं। तुम अपने दिल पे हाथ रख के बात करो और मेरे को सच में ये बताओ, दिल पे हाथ रखो अपने और मेरे को सच में ये बताओ,
क्या तुमने अगर 1 करोड़ रुपए कमाए तो तुम सच में क्या गवर्नमेंट को 30 लाख रुपए देना पसंद करोगे, या तुम नहीं दोगे, या तुम ढूंढोगे ऑप्शंस, यानी तुम क्या ऑप्शन ढूंढोगे कि मैं टैक्स कैसे बचा लूं, टैक्स कैसे चोरी कर लूं। वैसे गलत काम है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, राम राम राम, लेकिन तुम क्या ये ऑप्शन तलाशोगे, तुम क्या ये ऑप्शन ढूंढोगे कि तुम किस तरीके से टैक्स को बचा लो, या तुम ईमानदारी से अपना टैक्स पे करोगे? नहीं सर, मैं ईमानदार नागरिक हूं, दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूं। क्या सच में तुम ईमानदारी से गवर्नमेंट को टैक्स पे करोगे? आई नो, मैं दोबारा ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं एक एक करके सारी चीज बताऊंगा बेटा, कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है वो सब बताऊंगा, सबूरी श्रद्धा साई बाबा, बताओ। नहीं, दिल पे हाथ रखो यार तुम, क्या तुम्हारा दिल दुखेगा? सर बहुत ज्यादा दुखेगा सर, सर देखो अभी 1 करोड़ रुपए, अभी 1 करोड़ रुपए मेरे पास आए थे सर, मैं मेरी गर्लफ्रेंड को बोला था देख मैंने 1 करोड़ रुपए कमाया, मैं तो करोड़पति बन गया, हाँ हाँ करोड़पति, तू करोड़पत्नी, वो भी खुश मैं भी खुश। उधर से गवर्नमेंट आई, बोली 30 लाख रुपए भर, मैंने 30 लाख रुपए उसको दे दिया, मेरे पास तो 70 लाख बचे, मैं तो करोड़पति से लखपति हो गया। सर मेरा बहुत दिल दुखेगा, मैं तो चाहूंगा कि मैं ना पे करूं, बट पे तो करना पड़ेगा। तो बोलने का ये मतलब है कि जब आज आपने पैसा ही नहीं कमाया, और जैसे आप इमेजिन करने में ये सोच रहे हो कि मैं टैक्स कैसे बचा लूं, आप मेरे से पूछ रहे हो कि सर हम टैक्स कैसे बचा लेंगे, सर हम इतना टैक्स कैसे पे करेंगे, तो सोच के देखो जो लोग एक्चुअली में कमाते होंगे, और जब उनको एक्चुअली में इतना टैक्स पे करने की बारी आती होंगी, तो वो लोग क्या इतना टैक्स पे करते होंगे? नहीं, करना तो चाहिए, आई एम नॉट सेइंग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन लोग करते नहीं है। यार तुम्हारे को अगर इंडिया के बारे में बताऊं ना, तो इंडिया के अंदर 140 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है, और उसमें से 2-3 करोड़ लोग ही टैक्स पे करते हैं, ओनली 2-3 करोड़। इनकम पे जो टैक्स लगाया जाता है, इनकम पे जो टैक्स पे किया जाता है, आउट ऑफ 140 करोड़ 2-3 करोड़ या 4 करोड़ लोग हार्डली टैक्स पे करते हैं। नंबर भरी गवर्नमेंट थोड़ी ज्यादा बताए, लेकिन ये फैक्ट यही है कि हार्डली एक्चुअली में जो लोग टैक्स पे करते हैं वो 140 करोड़ में से सिर्फ 2-3 करोड़ लोग है बस, बाकी लोग डायरेक्ट टैक्स नहीं पे करते, वो कुछ ना कुछ तरीके से, कोई ना कोई तरीकों से उसको चोरी कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं मतलब वो बचा लेते हैं, वो पे नहीं करते, वो अलग अलग तरीके ढूंढते हैं। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने एक बात सोची, कि भैया देखो ये लोग डायरेक्ट टैक्स पे तो नहीं करते सब लोग, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स अगर पे करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब कई सारे लोग जो डायरेक्ट टैक्स नहीं पे करते चोरी करते हैं, बट गवर्नमेंट को तो देश चलाना है ना, और देश चलाने के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए? पैसा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। हमको बताया जाती है बात कि भैया देखो गवर्नमेंट ने पहले अच्छे से बोली ए नुपुर टू टैक्स दे दे, पर नुपुर और नुपुर के जैसे कई सारे लोगों ने अपनी इनकम पे टैक्स नहीं दिया, उन्होंने अलग अलग तरीके लगा के टैक्स की चोरी कर ली, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आया, गवर्नमेंट को देश चलाने में दिक्कत हो रही, तो गवर्नमेंट बोली अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करो। तो गवर्नमेंट ने बात लाई किसके ऊपर, गवर्नमेंट बोली अब हम एक और तरीके से इनडायरेक्ट, एक और तरीके से टैक्स कलेक्ट करेंगे, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स। तो बेसिकली अब पिक्चर में एंट्री हुई किसकी, इनडायरेक्ट टैक्स की, यानी गवर्नमेंट पहले ईमानदारी से सबसे टैक्स मांगती थी कि भाई तू टैक्स दे दे टैक्स दे दे, पर लोग जो है वो इतने ईमानदार नहीं है, और लोग जो है उनका बड़ा दिल दुखता था, क्योंकि उनको दिखता था कि वो कितना टैक्स पे कर रहे हैं, मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान दो, उनको दिखता था वो लोग कितना टैक्स पे कर रहे हैं, समझ मेरी बात। तो बेसिकली अब पिक्चर में एंट्री हुई इनडायरेक्ट टैक्स की, अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या बोला और गवर्नमेंट ने क्या करी, गवर्नमेंट बोली यार देखो जनरली जब लोग अपना पैसा कमाते हैं, मेरे को एक चीज बताओ, आप जब पैसा कमाओगे ठीक है, टैक्स वैक्स को बाजू में रख दो, आपने पैसा कमाए, आप पैसा कमा के उस पैसे से क्या करोगे, मेरे को एक सिंपल आंसर दो। आपने जो पैसा कमाए अल्टीमेटली आप वो पैसे का क्या करोगे, आपने अगर मान लो 1 करोड़ कमाए, 50 लाख कमाए, जितने भी कमाए, आप वो पैसे का क्या करोगे, घर में रखोगे उसको बोरी बिस्तर में भर के? नहीं सर, मैं पलंग के अंदर दबा के, सर दीवार के अंदर चिपका के ऐसा करूंगा, कुछ भी भैया थे, क्या करोगे आप पैसे का? आई वॉन्ट दी आंसर इन चैट। नहीं, क्या करोगे? आई जस्ट वॉन्ट टू नो यू,
नो, मेरे को बताओ यार, सभी लोगों से सर पैसा तो हम दो ही काम कर सकते हैं सर, सर देखो हमने इनकम कमाए सर, तो इनकम जो है वो इनकम के अंदर से कुछ पैसा हमने इनकम कमाए साहब, तो वो इनकम में से हम जो पैसा है वो क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। हाँ कुछ लोग बोलते हैं सर हम इन्वेस्ट भी करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे मतलब ताकि हमको फ्यूचर में ज़्यादा पैसा मिले, तो इन्वेस्ट भी इसीलिए करते हैं ताकि फ्यूचर की ज़रूरतें पूरी कर सके। इन्वेस्ट क्यों करते हो तुम लोग पैसा, ताकि फ्यूचर में तुम्हारे को ज़्यादा पैसा मिले और तुम्हारी फ्यूचर की ज़रूरतें तुम पूरी कर सको। दैट मीन्स तुम अल्टीमेटली अपने इनकम को कंज्यूम ही करोगे, तो कंज्यूम करने का मतलब ही क्या हो गया, तुम खर्चा करोगे। तो गवर्नमेंट ने तुम्हारे खर्चों के ऊपर टैक्स लगा दिया, गवर्नमेंट बोले तुम सीधी तरीके से तो टैक्स नहीं दे रहे। अब गवर्नमेंट ने क्या बोली, बोले देखो नूपुर ने 1 करोड़ रुपए कमाई, हाँ अब नूपुर क्या करेंगी बोले 1 करोड़ रुपए का बताता गवर्नमेंट, जनरली आप उस पैसे से परचेस ही करोगे। हाँ कुछ लोग बोलते हैं मैं बचाऊंगा सर, मैं सेव करूंगा। बेटा बचाया भी क्यों जाता है पैसा, ताकि आप फ्यूचर में उसको यूज कर सको, ताकि फ्यूचर में आप उसको खर्चा कर सको। और क्या करोगे, मतलब आपको फ्यूचर में वो पैसा बढ़ा के मिलेगा? नहीं सर, मैं तो मरने के बाद अपने छाती पैसा बांध के लेके जाऊंगा सर 1 करोड़ रुपए। नहीं सर, मैं पूरे अपने ऐसा लेके जाऊंगा सर भगवान के पास, ऊपर अपने काम आएगा पैसा, ऐसा तो नहीं हो। अल्टीमेटली वो पैसा अल्टीमेटली चलो आज नहीं लेकिन फ्यूचर में कंज्यूम ही होगा ना। तो नूपुर ने क्या सोची, मैंने जो पैसा कमाई उस पैसे में से मैं क्या कर लेती हूँ, कार खरीद लेती हूँ, ठीक है ना। तो नूपुर ने क्या करी, नूपुर गई कार लेने, ठीक है ना। नूपुर कहाँ पे गई, कार लेने। नूपुर कहाँ पे गई, कार लेने। बट जैसे ही नूपुर कार लेने गई ना, तो कार वाले के पास नूपुर के पहले कौन पहुंच गए पता है, गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट पहुंच गई कार शॉप वाले के पास। मतलब एग्जांपल के लिए मैं बात कर लेता हूं किसकी, कार कंपनी की। अब नूपुर जा रही थी, नूपुर सोची मैं मेरे पैसे से कार खरीदूंगी, बट कार कंपनी के पास पहले ही कौन पहुंच गई, गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट ने कार कंपनी को जाके बोली, ए कार कंपनी तुम कार बेचते हो? हाँ बोले हम कार बेचते हैं। अच्छा बोले तुम कार कितने की बेचते हो? तो बोले देखो हमारी कार की जो सेल प्राइस है, हम जो कार बेचते हैं वो हम बेचते हैं कार बोले 50 लाख रुपए में। हम जो कार बेचते हैं वो कितने में बेचते हैं, 50 लाख रुपए में। अच्छा तुम 50 लाख रुपए में कार बेचते हो? हाँ। तो बोले देखो, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, बोले देखो दुकानदार, एक कार कंपनी, देखो तुमको जितने में कार बेचना है तुम उतने में बेचो, बट हम तुमको बोल रहे हैं कि तुम जितने भी रुपए में कार बेचते हो, जितने भी रुपए में तुम क्या बेचते हो, कार बेचते हो, ठीक है ना, एक सेकेंड, तुम जितने भी रुपए में कार बेचते हो वो बेचो, बट वो कार की प्राइस के साथ तुम क्या करना, अलग से GST एट दी रेट ऑफ 28% लेना। बोले कैसा, समझे नहीं हम। बोले देखो 50 लाख की कार है, हाँ, अब 50 लाख के ऊपर तुम अलग से 28% लगाना, कितना हो गया, बोले 14 लाख। तो बोले तुम क्या करना, जब भी तुम ये कार बेचोगे तो तुम ये कार 50 लाख में मत बेचना, कितने में बेचना, बोले 64 लाख में बेचना। मतलब तुम जो कस्टमर से पैसा लोगे, अमाउंट, ध्यान से सुनना मेरी बात, अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर। अब गवर्नमेंट ने यहां पे क्या कर दी, दुकानदार को आके बोल दी कि दुकानदार देखो जो भी तुम्हारी सेल प्राइस रहेंगी, बोले तुम जितने में कार बेचते हो, मोबाइल बेचते हो, तुम उतने में बेचो, उस पर हम कुछ नहीं बोल रहे तुम्हारे को, हम तुम्हारी मोबाइल की प्राइस या कार की प्राइस डिसाइड नहीं कर रहे, तुमको जितने में बेचना उतने में बेचो, बट तुम जब भी वो गुड्स बेचोगे या सर्विसेज बेचोगे, ठीक है ना, तो तुम उसके साथ साथ उसके ऊपर अलग से लोगों से क्या लेना चालू कर दो, बोले GST, कितने रुपए का, फॉर एग्जाम्पल 28%, ऐसा अलग अलग रेट है, 18% भी रेट है, 28% भी है, जनरली कार वगैरह के ऊपर 28% रेट है, ज्यादा है। तो बोले तुम एक काम करो, बोले तुम उस कार के ऊपर 14 लाख रुपए का, यानी 28% के हिसाब से तुम क्या ले लेना, GST। अरे दुकानदार खुश हो गया, दुकानदार बोला मेरे को 64 लाख मिलेंगे। हाँ बोले पूरी बात सुन लो दुकानदार, तो जो तुम क्या करोगे, 64 लाख लोगों से कलेक्ट करोगे, उसमें से 50 लाख तो तुम्हारे है जो तुमने गुड्स बेचा, पर जो 14 लाख रुपीज GST का पैसा तुमने कलेक्ट करे पब्लिक से, ध्यान से सुनना, दुकानदार ने क्या किया, पब्लिक से 14 लाख रुपीज का GST का पैसा लिया, बोले वो पैसा तुम हमको गवर्नमेंट को क्या कर देना, पे कर देना। बोले तुम सिर्फ इतना काम करना कि पब्लिक से वो पैसा लेना GST के नाम से और हमको पे कर देना,
दैट मीन्स दुकानदार जो है वो क्या करेगा, जब भी तुम कार खरीदने जाओगे तो तुम लोगों से 64 लाख रुपीज लेगा, एज इन 14 लाख रुपीज तुमसे क्या लेगा, जीएसटी का पैसा लेगा, और जो जीएसटी का पैसा तुमसे लेगा वो किसको पे कर देगा, गवर्नमेंट को। तो दुकानदार बोला मैं पागल हूं, मेरे चेहरे पे पागल लिखा दिख रहा है देखो गवर्नमेंट, हाँ नहीं नहीं मेरे चेहरे पे पागल लिखा दिख रहा है गवर्नमेंट देखो, यानी मैं तू क्या बोल रहा है, मैं पब्लिक से ज्यादा पैसा लू, मेरी कार की प्राइस बढ़ गई, मैं क्यों करूं ये, मेरी कार जो 50 लाख रुपए की थी वो 64 लाख रुपीज की हो गई, और उसमें भी मैं लोगों से टैक्स का पैसा लूंगा और तेरे को दूंगा, मैं ऐसा क्यों करूं, मैं नहीं करूंगा ऐसा, हे गवर्नमेंट चल निकल, चल निकल ऐसे, मैं क्यों करूं ऐसा, मेरा क्या फायदा, मेरा क्या फायदा, दुकानदार बोल रहा है ऐसा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने बोली नहीं तू देश के भले के लिए, अरे बोले सब बराबर है, बोले मैं कुछ नहीं करने वाला, बोले ऐसा चलो, गवर्नमेंट बोली बोले ये प्यार से मान नहीं रहा है, अब अगर कोई प्यार से ना माने तो उसको अपनी दिखानी पड़ेगी। गवर्नमेंट ने बोली देख बेटा सुन ले, ये तो हमने कानून बना दिया कि हर दुकानदार को जितने का भी वो माल बेचेगा उस माल के ऊपर अलग से जीएसटी का पैसा लेना पड़ेगा और हमको देना पड़ेगा, और अगर तू ऐसा नहीं करता है, और मान ले तू ऐसा नहीं करता है ठीक है ना, तो तू बोलता है कि नहीं मैं तो 50 लाख रुपए ही लूंगा लोगों से, तू बोलता है नहीं मैं 64 नहीं लूंगा, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, तू बोलता है मैं 64 नहीं लूंगा, मैं तो 50 लाख रुपीज लूंगा लोगों से, मैं नहीं लूंगा 64 लाख। तो बोले गवर्नमेंट सुन ले कि अगर तूने ये पैसा अलग से लोगों से नहीं लिया तो हम ये मान लेंगे कि जितना पैसा तूने लिया है उसके अंदर से ये 14 लाख रुपए भी तूने लिया है। दैट मीन्स अगर तू ये पैसा नहीं लेता है लोगों से तो तेरे को ये टैक्स का पैसा अपनी जेब से आउट ऑफ योर ओन पॉकेट तेरे को अपनी जेब से गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ये कब, जब अगर तू क्या नहीं करता है, अगर तू पब्लिक से ये पैसा लेके हमको नहीं देता है, कस्टमर से ये पैसा कलेक्ट करके हमको नहीं देता है, हम तो बोल रहे हैं कि हमको तेरे से कोई टैक्स नहीं चाहिए, दिस इज द फैक्ट, कि जीएसटी का जो पैसा होता है, जीएसटी जो होता है एज एन इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, वो कभी भी दुकानदार की जेब से नहीं जाता है। दुकानदार क्या करता है, लोगों से जीएसटी पब्लिक से लेता है, कस्टमर से लेता है और गवर्नमेंट को देता है, मतलब दुकानदार उसमें सिर्फ एक कलेक्शन एजेंट का रोल प्ले करता है, जस्ट लाइक लोगों से वो जीएसटी का पैसा लेगा, गवर्नमेंट को देगा। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी बात ले लो, तुम मेरे से लेक्चर परचेस करोगे, मैंने तुमसे जीएसटी का पैसा लिया, मैं खुद नहीं रखूंगा वो जीएसटी का पैसा, मैं तुमसे लूंगा गवर्नमेंट को दे दूंगा, मैंने तुमसे जीएसटी का पैसा लिया गवर्नमेंट को दे दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑर नॉट, मैंने तुमसे जीएसटी का पैसा लिया, किसको दे दिया, गवर्नमेंट को दे दिया। तो ये ना जीएसटी के अंदर दुकानदार की जेब से, मैन्युफैक्चरर की जेब से कुछ नहीं जाता है, वो सिर्फ पब्लिक से लेता है और गवर्नमेंट को देता है। लेकिन अगर उसने पब्लिक से नहीं लिया तो गवर्नमेंट बोलती है कि फिर ऐसे केस में तूने हमारी बात नहीं मानी ना, तू बहुत होशियार बन रहा था ना, तो हम अब वो पैसा तेरे से वसूल करेंगे। तो दुकानदार बेचारा ऐसा खड़ा हो गया, अरे माफ कर दे गवर्नमेंट गलती हो गई, अरे तू तो मैं इस बात को सीरियसली ले ली, मैं तो देश प्रेमी हूं, देश भक्त हूं, मैं क्यों नहीं कलेक्ट करूंगा लोगों से, मेरा क्या जाता है इसमें। गवर्नमेंट इतनी देर से उसको ये समझा रही थी कि तेरा कुछ नहीं जाने वाला, तेरे को लोगों से लेना है, हमको देना है, फिर भी मान नहीं रहा था वो। गवर्नमेंट ने जब बोली कि भैया देख सुन ले, तूने अगर नहीं लिया तो हम मान लेंगे कि तेरे जेब से तूने देखो देना पड़ेगा। आप समझ रहे बात को, गहराई समझ रहे। तो यहां पे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने यहां पे 3 लोग बना दिए, गवर्नमेंट ने यहां पे कितने लोग बना दिए, 3 लोग। एक बन गया कस्टमर, एक बन गया शॉपकीपर, शॉपकीपर मतलब दुकानदार, ठीक है ना, एक बन गया कस्टमर, एक बन गया शॉपकीपर, और कंजूसी लाइक में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक बिल्कुल करें। और इधर आ गई गवर्नमेंट, इधर कौन आ गई, मालक गवर्नमेंट आ गई। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, यहां पे कस्टमर से कस्टमर क्या करेगा, सेल प्राइस 50 लाख प्लस जीएसटी एट द रेट ऑफ 28%, 14 लाख कितना हो गया, 64 लाख। कस्टमर क्या करेगा, 64 लाख शॉपकीपर को पे करेगा, शॉपकीपर क्या करेगा, उसमें से 14 लाख रुपीज़
जीएसटी का पैसा किसको दे देगा? गवर्नमेंट को। तो यहां पे गवर्नमेंट ने क्या कर दी? देखो आप बात को गहराई को समझो, यहां पे टैक्स किसकी जेब से जा रहा है? मेरे को एक मिनट चैट में आप लोगों से, आपने समझे ना, अगर थोड़ा बहुत भी अभी तक थोड़ा बहुत भी क्लियर हुआ है ना, तो मेरे को सिर्फ आंसर दो। ये केस में कस्टमर से पैसा लिया गया, गवर्नमेंट को दिया गया, मेरे को एक चीज बताओ कि ये केस में किसकी जेब से, आउट ऑफ किसके पॉकेट पैसा निकल रहा है? मतलब टैक्स का पैसा किसकी जेब से जा रहा है? ये केस के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स में जब शॉपकीपर लोगों से लेता है, गवर्नमेंट को देता है, कस्टमर से लेता है, गवर्नमेंट को देता है, तो किसकी जेब से पैसा जा रहा? चैट में मेरे को आंसर चाहिए, किसकी जेब से पैसा जा रहा है? भावना, उसके ऊपर आता हूं मैं, बताओ मेरे को जरा। यहां पे इस केस में कस्टमर, शॉपकीपर और गवर्नमेंट, ये तीन ऑप्शन आपके पास है। मेरे को एक चीज बताओ सोच के कि यहां पे किसकी जेब से पैसा जा रहा है? पूरे बच्चे जितने बैठे हैं ना, सब लोग चैट में आंसर करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं एक कर रहा हूं, दो नहीं कर रहे। भाई साहब किसकी जेब से जा रहा है? सर कस्टमर यानी कंज्यूमर, जिसको बोलते हैं, जो मर रहा है, मर तू मर, कंज्यूमर अल्टीमेटली किसकी जेब से पैसा जा रहा है? किसकी जेब से जा रहा है? कस्टमर की। किसको जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है, किसकी जेब से निकल रहा है और किसकी जेब में जा रहा है? यानी कस्टमर की जेब से निकल रहा है पैसा और किसको जा रहा है? गवर्नमेंट के पास। बट यहां पे आपको पता है कस्टमर का दिल नहीं दुखेगा, आप बताओ क्यों? यहां पे फायदा क्या होगा? कस्टमर जब गुड्स खरीदने गया, आप सोचो ना, आप कार जब खरीदने जाते हो तो क्या आप ये बोलते हो कि मैंने कार, देखो मैंने जो कार खरीदी ना वो 50 लाख की खरीदी, 14 लाख रुपए तो मैंने उसमें टैक्स पे करा। क्या आप जब भी कार खरीदने जाओगे, सपोज करो आपने 64 लाख की कार खरीदे, ये वाली कार आपने खरीदे, अब मेरे को आप एक बार सोच के बताओ, क्या जब आप कार खरीदने जाओगे या कोई भी आइटम खरीदने जाते हो, ठीक है ना, तो उस समय क्या आप ऐसा बोलते हो कि मैंने 50 लाख की कार खरीदी और 14 लाख उसमें टैक्स पे किया? क्या आप लोग ऐसा बोलते हो, या आप डायरेक्टली बोलते हो कि भैया मैंने 64 लाख की कार खरीदी? आप क्या सोचते हो, आप क्या सोचते हो? क्या आप ये सोचते हो कि मैंने 50 लाख की कार खरीदी और 14 लाख का टैक्स पे किया इस तरीके से, या आप डायरेक्टली बोलते हो कि भैया मैंने 64 लाख की कार खरीदी? सर हर बंदा यही बोलता है कि भैया मैंने 64 लाख की कार खरीदी। वो कभी भी ऐसा बाइफर्गेशन नहीं करता है कि मैंने इतने का टैक्स पे किया, इतने का, वो कोई नहीं करता है। क्योंकि वो लोग जनरली, कस्टमर क्या करता है ऐसे टाइम पे, वो टैक्स को वो पर्टिकुलर गुड्स की प्राइस मान लेता है। अब सपोज तुमने क्लास में आने के पहले 100 रुपए का रजिस्टर खरीदे होंगे, जस्ट टेक एन एग्जांपल, तुमने क्लास में आने के पहले 100 रुपए का रजिस्टर खरीदे होंगे, तो तुमने क्या ऐसा बोले कि मैंने 80 रुपीज का रजिस्टर खरीदा, 20 रुपए उसमें टैक्स भरा हूं मैंने? नहीं। तुम क्या मान लेते हो कि 100 रुपए ही तुम्हारी गुड्स की क्या है? प्राइस है। तुमने क्या मान लिया कि 64 लाख ही तुम्हारी कार की क्या है? प्राइस है। तुमने ये नहीं माने कि 14 लाख रुपए उसमें से मैंने क्या दिया है? टैक्स। ये हमारी मेंटेलिटी है। होता तो यही है कि तुम उस पर टैक्स का पैसा भी देते हो अलग से, लेकिन तुम्हारी मेंटेलिटी क्या हो जाती है, तुम मान लेते हो कि भैया मैंने कार ही कितने की खरीदी? 64 लाख की। तो अब क्या तुम्हारा दिल दुखेगा? मेरे को एक चीज बताओ, दिल पे हाथ रख के, क्या अब तुम्हारा दिल दुखेगा? तुमने 14 लाख रुपए का टैक्स पे किया है, अब तुम्हारा दिल दुखेगा क्या? जितना दिल तुम्हारा पहले दुख रहा था कि मैंने 1 करोड़ रुपए कमाया, उसमें से 30 लाख रुपीज का गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा हूं मैं, क्या तुम्हारा दिल अब दुखेगा? क्या ये मोमेंट पे तुम्हारा दिल दुखेगा? मेरे को एक बार बताओ। आंसर इज नो। यहां पे कस्टमर का दिल नहीं दुखेगा। कस्टमर ये सोचेगा कि भैया मैंने टैक्स नहीं, मैंने तो कार खरीदी। कस्टमर ये मान लेगा कि मैंने 64 लाख की कार खरीदी। वो ये नहीं सोचेगा कि मैंने 14 लाख रुपए का क्या पे करा टैक्स, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर उसको कार खरीदनी है तो उसको 64 लाख पे करने पड़ेंगे, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दुकानदार तो उससे 64 लाख ही लेगा, तो उसको कार खरीदनी है तो उसको 64 लाख पे करने पड़ेंगे। तो कस्टमर ने उसको मान लिया कि वो टैक्स नहीं है, वो तो काय का पैसा है? कार का पैसा है। शॉपकीपर उसके कुछ नहीं किया। शॉपकीपर ने क्या करा? कस्टमर से 14 लाख रुपए लिया, गवर्नमेंट को दे दिया। कस्टमर से लिया, गवर्नमेंट को दे दिया। तो ना शॉपकीपर का दिल दुखेगा, ना कस्टमर का दिल, क्योंकि कस्टमर यहां पे डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहा है। कस्टमर यहां पे शॉपकीपर को पे कर रहा है, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स। व्हाई? बिकॉज कस्टमर इज पेइंग टैक्स टू द शॉपकीपर एंड शॉपकीपर इज पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो कस्टमर डायरेक्टली टैक्स पे नहीं कर रहा है, कस्टमर इनडायरेक्टली टैक्स पे कर रहा है वाया शॉपकीपर। तो ना कस्टमर का दिल दुखा, ना शॉपकीपर का, और गवर्नमेंट को क्या मिल गया? टैक्स। और जब दिल ही नहीं दुखेगा तो लोग टैक्स चोरी क्यों करेंगे? टैक्स चोरी तो तब होती है ना जब तुम्हारे को एहसास हो कि तुमने टैक्स पे किया है।
तुम टैक्स चोरी करने का तो तब सोचोगे ना जब तुम्हारा दिल दुखेगा कि मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, बट तुम्हारे पास यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, तुम्हारा दिल दुखेगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए तो ये हो जाएगा कि भैया वो गुड्स की क्या है प्राइस है। ठीक है ना, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज कॉल्ड एज वेरी चालाक गवर्नमेंट ब्रो, वेरी चालाक गवर्नमेंट इज वेरी चालाक। देखो गवर्नमेंट ने तुम्हारी दुखती रत पे हाथ रख दिया, गवर्नमेंट ने बोले साले तू पैसे का करेगा क्या, खर्चा ही करेगा ना, तो तुम्हारे खर्चों के ऊपर ही गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, और इस तरीके से लगा दिया कि तुमको पता भी नहीं चल रहा है। अब मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर खरीद के लेके आया था, बट ये कैलकुलेटर खरीदते टाइम मैं इसमें टैक्स पे करके आया हूं। तुम गर्लफ्रेंड को हैप्पी वैलेंटाइन डे देने के लिए चॉकलेट लेके गए थे, वो चॉकलेट में भी तुमने टैक्स पे करा है। तुम गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट बोलो, तुम गर्लफ्रेंड को होटल में खाना खिलाने लेके गए, वहां पे भी तुमने टैक्स पे करा। तुम गए हो पिज्जा खाने डोमिनोज में, चीज बस्ट 300 रुपए का, उसमें साला 20 रुपए का तो टैक्स था, पिज्जा तो 280 रुपए का था, 20 रुपए का तो क्या था, टैक्स था। तुमको एहसास हुआ नहीं? तुम मेरी क्लास खरीदोगे, तुम साथ में टैक्स भी पे करोगे, तुमको एहसास होगा नहीं? क्योंकि तुम क्या मान लोगे, कस्टमर क्या मान लेते हैं कि ये गुड्स या सर्विसेज की क्या है प्राइस है। तो ऐसे केसेस पे कस्टमर का यहां पे दिल नहीं दुखता है, निकल तो टैक्स। यहां देखो अगर दोनों केस को तुम कंपेयर करोगे ना, यहां पे भी टैक्स नूपुर की जेब से निकल रहा था, या गवर्नमेंट की जेब में ही रहा था। अब आपको समझो इनकम टैक्स में भी तो यही हो रहा था, टैक्स निकल रहा था नूपुर की जेब से, जा रहा था गवर्नमेंट के पास। यहां पे भी तो यही हो रहा है कि टैक्स निकल रहा है नूपुर की जेब से, एज इन कस्टमर, नूपुर ने कार खरीदी, टैक्स निकल रहा है नूपुर की जेब से, जा रहा है गवर्नमेंट के पास। हो तो वही रहा है, बस फर्क ये हो गया कि यहां पे नूपुर को दिख रहा था कि मैं टैक्स पे कर रही हूं, यहां पे नूपुर को पता ही नहीं चल रहा है कि उससे क्या ले लिया गया, टैक्स ले लिया गया। तो इसीलिए यहां पे लोगों का दिल कम दुखता है, तो इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स का जो रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट का वो थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट टैक्स। वैसे भी डायरेक्ट टैक्स का भी अच्छा हो गया आज की तारीख में, तो बेसिकली गवर्नमेंट ये दोनों तरीकों से टैक्स लेती है, एक टाइप का डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स जो लगता है वो लगता है गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इनडायरेक्ट टैक्स का जीएसटी, वैसे और भी आते हैं उसके अंदर, बट सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब शॉपकीपर जो होते हैं वो लोग जनरली क्या चार्ज करते हैं, जीएसटी लगाते हैं और गवर्नमेंट को तुम लेके देते हैं। तो जो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैंने एक ओवरव्यू दिया है, हमने पढ़ाया कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ ओवरव्यू दिया है। समझ में आई बात? अब एक डाउट बच्चे के मन में आता है, सर एक बंदा है, सर आप ये लॉजिक तो हमको समझ में आया, देखो दिस इज जस्ट अ लॉजिक, गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोलती कि हम इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट का रीजन यही है, बताती नहीं है गवर्नमेंट। अब बच्चे के मन में सवाल आता है कि सर देखो एक बंदा है सर रमेश, हमारी क्लास का ब्रांड एम्बेसिडर, एक बंदा है सर रमेश, ठीक है ना। अब जो एक बंदा है रमेश, सर रमेश ने इनकम टैक्स भी पे करा, रमेश ने क्या पे करा। अब रमेश ने अगर इनकम टैक्स पे करा तो क्या उसको जीएसटी भी पे करना पड़ेगा? कुछ तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं ये सवाल आ रहा होगा। देखो मेरे को 12 साल का एक्सपीरियंस है ये फील्ड में, टैक्स टॉपर रह चुका हूँ मैं, सिटी टॉपर हूँ टैक्स के अंदर, सेकेंड टॉपर इन सीए इंटर, ठीक है ना, सीएस प्रोफेशनल में सिटी टॉपर हूँ टैक्सेशन के अंदर, ठीक है ना, फाइनेंस के अंदर, तो आई नो, और 12 साल से यही पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को मालूम है तुम्हारे डाउट्स क्या आते हैं। तो मैं जनरली कई सारे डाउट्स तो क्लास में तुम्हारे बोलने के पहले तुमको आपको बता दूंगा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी के मन में तो ये सवाल आ रहा होगा ना कि सर एक बंदा इनकम टैक्स भी पे कर रहा है तो क्या उसको जीएसटी भी पे करना पड़ेगा, या उसने इनकम टैक्स पे कर दिया तो उसको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है कि आपको इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों पे करना पड़ेगा या आपको इनकम टैक्स ही पे करना पड़ेगा? आंसर इज इनकम टैक्स हर वो बंदा पे करता है जो बंदा इनकम कमाता है। जो भी बंदा इनकम अर्न कर रहा है, सर हम तो नहीं पे कर रहे, तो तुम इनकम कौन सी कमा रहे हो अभी, तुम तो पढ़ रहे हो, तो जो बंदा इनकम अर्न करता है उसको क्या पे करना पड़ेगा, इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। और जीएसटी, आप कोई भी गुड्स खरीदोगे, आप कोई भी सर्विसेज परचेस करोगे, तो वो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर आप क्या पे करोगे, जीएसटी पे करोगे। तो आपको इनकम टैक्स जो पे करना पड़ेगा वो कब पे करना पड़ेगा, आपने कोई इनकम कमाए तो उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। जीएसटी, जनरली आपने कोई भी गुड्स या सर्विसेज खरीदे तो उसके ऊपर आपको क्या पे करना पड़ता है, जीएसटी। तो द आंसर इज यस,
ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बंदे ने इनकम टैक्स पे करा उसको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, दोनों एक अलग अलग नेचर ऑफ टैक्स है। सर ये तो डबल टैक्स हो गया, डबल टैक्स नहीं हो गया, ये दो अलग अलग नेचर ऑफ टैक्स है। इनकम टैक्स आपकी कमाई के ऊपर लग रहा है वो एक अलग है, जीएसटी आप कोई भी गुड्स और सर्विसेज खरीद रहे हो तो उसके ऊपर लग रहा है वो अलग है। एक डायरेक्ट टैक्स है एक इनडायरेक्ट टैक्स है, आप उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि ये डबल डबल टैक्सेस है, नो। तो यस, एक बंदे को जीएसटी भी पे करना पड़ेगा और इनकम टैक्स भी, दैट डिपेंड्स वो क्या कर रहा है। अगर तुमने कोई गुड्स या सर्विसेज खरीदे तो तुमको बेटा जीएसटी तो ऐसा टैक्स है जो छोटा सा बच्चा होता है ना, छोटा सा बच्चा, वो छोटा सा बच्चा भी जीएसटी पे करता है। जब वो छोटा सा बच्चा किराना दुकान में जाके चॉकलेट खरीदता है 1 रुपए की, अंकल अंकल 1 रुपए की, आजकल 1 रुपए की चॉकलेट आती है क्या, अंकल अंकल 1 रुपए की चॉकलेट दो, तो वो 1 रुपए की चॉकलेट में वो 20 पैसा तो क्या भरता है, जीएसटी भरता है। ये ना आदमी बचपन से पैदा होने से लेके मरने तक, मरने के टाइम पे जो दवाइयां खरीदता है उसमें भी जीएसटी भरता है। तो बेसिकली जीएसटी, अगर आप कोई भी गुड्स यानी सामान या कोई भी सर्विसेज खरीद रहे हो तो उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना ही पड़ेगा। इट इज इररिलेवेंट कि तुमने इनकम टैक्स पे किया है या नहीं। अब इनकम टैक्स कौन पे करेगा, तो जिसने इनकम कमाया, जिसने इनकम कमाया वो इनकम टैक्स भी पे करेगा, और उसने कोई सामान खरीदा तो उसके ऊपर जीएसटी भी पे करेगा। जिस बंदे ने इनकम नहीं कमाया तो वो क्या पे करेगा, सिर्फ जीएसटी पे करेगा, क्योंकि उसने कोई सामान खरीदा होगा। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब ये बच्चे यहां पे आ जाते हैं एकदम झंडा लेके खड़े हो जाते हैं, सर ये तो गलत बात है, हम दो दो क्यों पे करें सर, ये तो उसके साथ गलत हो रहा है। नहीं ना भाई, गवर्नमेंट ऐसा सिलेक्शन तो नहीं कर सकती ना कि देख भाई तूने इनकम टैक्स भरा है तेरे को जीएसटी नहीं भरना पड़ेगा, देख देख तूने जीएसटी भरा है तेरे को इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। ऐसा सिलेक्शन होना पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल ना यार, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और ये तो एक लॉजिक है उसके पीछे कि गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्यों लाई, क्योंकि गवर्नमेंट का डायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू इतना नहीं हो पाता था, इसीलिए गवर्नमेंट ने पिक्चर में एक जमाने से क्या लेके आई है, इनडायरेक्ट टैक्स भी लेके आई है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सो इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली जो पे किया जाता है वो इनडायरेक्टली क्या करा जाता है, पे किया जाता है। यानी यहां पे क्या होता है, ये देखो यहां पे दिख रहा है आपको, टैक्स पेयर पे कर रहा है किसको, शॉपकीपर को, रिटेलर मैन्युफैक्चरर को, और ये किसको पे कर रहा है, गवर्नमेंट को। दैट मींस यहां पे गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, गवर्नमेंट यहां पे डायरेक्ट गवर्नमेंट टैक्स यहां पे टैक्स पेयर से नहीं लेती है, मैन्युफैक्चरर से लेती है, और मैन्युफैक्चरर जो एंड कंज्यूमर होता है उससे क्या करता है, टैक्स कलेक्ट करता है। तो यानी हमने टैक्स कलेक्ट किए और गवर्नमेंट को पे किए। आर गेटिंग माय पॉइंट। मजा आई क्या यहां तक, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, एक बार मेरे को यहां तक क्लियर है कि बताओ। तो डायरेक्ट टैक्स क्या हो गया, बोलो मेरे साथ, जो सर डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया जाता है जनरली, सर कौन सा, इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या हो गया सर, जो डायरेक्टली पे किया जाता है किसको, गवर्नमेंट को जनरली। सर एग्जांपल उसका क्या हो गया, जनरली एग्जांपल क्या हो गया सर उसका, इनकम टैक्स, कि नूपुर ने इनकम कमाई, अपनी इनकम पे नूपुर को क्या देना पड़ रहा है, टैक्स देना पड़ रहा है। आदित्य भाई क्या हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं क्या बोल रहे हो, बता दो अगर एक बार। अच्छा एक बार क्विक रिवीजन, फिर एक छोटी सी आपको कोर्स से रिलेटेड डिटेल बता देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी से समझे, कोर्स से रिलेटेड डिटेल कि आपका टैक्सेशन कौन से ग्रुप में है, कितने मार्क का है, कैसे आने वाला है पेपर, वो सब बता देता हूँ। बट एक बार मेरे को यहाँ एक रिवीजन करा दो ना, इनकम टैक्स एक्ट कौन सा वाला पढ़ रहे हैं हम लोग, इनकम टैक्स एक्ट कौन से ईयर में वाला पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स एक्ट कौन से ईयर वाला है, चैट में आंसर चाहिए सभी से, इनकम टैक्स एक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, इनकम टैक्स एक्ट कौन सा वाला पढ़ रहे हैं हम लोग, बोलो इनकम टैक्स एक्ट कौन सा वाला पढ़ रहे, कौन सा ईयर है, ऑप्शन नंबर 1 1922, 1961, 1962, तीन ऑप्शन है, 1922, 1961, 1962, वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज 1961, वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961, शाबाश, क्लियर। अच्छा सर इनकम टैक्स रूल्स कब बने, इनकम टैक्स रूल्स कब बने, चैट में आंसर चाहिए, इनकम टैक्स रूल्स कब बने, इनकम टैक्स रूल्स कब बने, कैसे बने, हाँ मोहित होंगी, ओके आदित्य, इनकम टैक्स रूल्स कब बने, क्या बात है, सारे बच्चे आंसर देंगे यार, 1962 में, शाबाश। अच्छा इनकम टैक्स किसका एग्जांपल है, डायरेक्ट टैक्स का क्या इनडायरेक्ट टैक्स का, इनकम टैक्स किसका एग्जांपल है, इनकम टैक्स किसका एग्जांपल है, डायरेक्ट टैक्स का या इनडायरेक्ट टैक्स का,
इनकम टैक्स किसका एग्जाम्पल है, डायरेक्ट टैक्स का या इनडायरेक्ट टैक्स का, जल्दी जल्दी बताएंगे, इनकम टैक्स किसका एग्जाम्पल है, वेरी गुड वेरी गुड, गेट बंद करो प्लीज, वेरी गुड सर, डायरेक्ट टैक्स का। जीएसटी किसका एग्जांपल है, इनडायरेक्ट टैक्स का। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि डायरेक्टली कस्टमर, डायरेक्टली जिसकी इनकम होती है उससे टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, यानी आउट ऑफ द पॉकेट, आउट ऑफ द पॉकेट ऑफ द इनकम अर्नर, जो टैक्स पेयर होता है उसकी जेब से टैक्स निकलता है और वो डायरेक्टली टैक्स किसको देता है, गवर्नमेंट को देता है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, हम टैक्स शॉपकीपर को देते हैं, यानी मैन्युफैक्चरर रिटेलर को, और वो किसको देता है, गवर्नमेंट को देता है, ठीक है ना। अच्छा एक बच्ची पूछ रही थी कि सर डायरेक्ट मान लो मैन्युफैक्चरर शॉपकीपर ने टैक्स नहीं लिया तो क्या होगा, तो उसको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने उसको बोली है कि देख या तो तू अपनी जेब से, या तो तू कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करके मेरे को दे दे जीएसटी, या तो अपनी जेब से पे कर दे। तो गवर्नमेंट ने उसके पास क्या दिए, ऑप्शन दिए। भाई साहब आपका जो टैक्स लॉ सब्जेक्ट है ना, ये टोटल 100 मार्क्स का है और ये सब्जेक्ट बेसिकली आपका आता है ग्रुप टू में, यानी हमारे दो ग्रुप है, एक ग्रुप वन और एक ग्रुप टू। तो ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये आता है बेसिकली ग्रुप टू में, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पे और डिटेल में आपको बताऊँ तो भाई साहब आपका ये पेपर अब बेसिकली 80% डिस्क्रिप्टिव है प्लस 20% रुकना जा, इसके बाद मैं एक और वेबसाइट वगैरह भी बताने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से रुकना एक मिनट। 80% डिस्क्रिप्टिव है और 20% इसके अंदर क्या रहने वाले, MCQs रहने वाले। मतलब ये पेपर एक तो तुम समझ लो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि सर 100 नंबर का पेपर है पूरा ये, ठीक है ना। अच्छा कई लोगों को सवाल आ जाते हैं, जो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि सर ये प्रैक्टिकल है कि थ्योरी है। सर बेसिकली ये प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी बोथ है, इसके अंदर थ्योरी कंटेंट भी होता है और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। सो ये प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी बोथ है। तो अगर आपके माइंड में ये होगा कि सर ये प्रैक्टिकल है या थ्योरी है, तो बेसिकली थ्योरी यानी प्रोविजंस होती है, वो प्रोविजंस के बेसिस पे हम क्या सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। तो दैट मीन्स थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, यानी प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी है, दोनों है, क्लियर। और सर आपका ये जो कोर्स है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, ये आपका जो कोर्स है अगेन, ये भी जैसे टैक्स दो पार्ट में डिवाइडेड है ना, वैसे ही आपका कोर्स भी जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब जैसा हमको ये दोनों पढ़ना है, हमारे कोर्स में दोनों है, डायरेक्ट टैक्स भी है और इनडायरेक्ट टैक्स भी। डायरेक्ट टैक्स बेसिकली हमारे लिए 60 मार्क्स का है। सर ओल्ड कोर्स को नहीं बता रहा, न्यू सिलेबस की बात कर रहा हूँ मैं, दिस इज न्यू सिलेबस। डायरेक्ट टैक्स हमारे लिए कितने मार्क्स का है, 60 मार्क्स का है। और यही हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो वो हमारे लिए कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का है, ठीक है ना। वो हमारे लिए कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का है, क्लियर। इसके अंदर बाइफर्गेशन क्या है कि डायरेक्ट टैक्स में आपको सिर्फ इनकम टैक्स पढ़ना है, ये मैं सिर्फ आपके कोर्स का कंटेंट बता रहा हूं। डायरेक्ट टैक्स में आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, एक सेकेंड, इसमें सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, इनकम टैक्स, यानी पूरा इनकम टैक्स हम 60 मार्क्स के लिए पढ़ेंगे। और उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स में बेसिकली दो बाइफर्गेशन है, एक है जीएसटी और एक है कस्टम्स। एक है जीएसटी और एक है कस्टम्स। कस्टम्स अभी मैं डिटेल में उसके ऊपर गया नहीं हूं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला टैक्स जो होता है ना, जो आप दूसरे देश से माल बुलाते हो, दूसरे देश में माल भेजते हो, उसके ऊपर जो कस्टम्स लगता है वो, ठीक है ना। तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो जीएसटी आपका है 35 नंबर का और कस्टम्स आपका है 5 नंबर का। ये इस तरीके से आपका कोर्स का क्या है, बाइफर्गेशन है कि डायरेक्ट टैक्स आपका 60 नंबर का है, जिसके अंदर आपको इनकम टैक्स पूरा 60 नंबर के लिए पढ़ना है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है बेसिकली उसके अंदर 35 नंबर का आपको जीएसटी पढ़ना है और 5 नंबर के लिए आपको क्या पढ़ना है, कस्टम्स। इस तरीके से आपका ये टैक्स का पूरा पेपर 100 नंबर का बन रहा है। एंड अगेन मैं बात कर रहा हूँ भाई साहब, ये सब्जेक्ट जो है ना वो आप लोगों को बहुत बड़ा एडवांटेज दे सकता है, ठीक है ना।
और ये बार बार एक जो डाउट आता है ना, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, बेटा कॉर्पोरेट टैक्स इज नथिंग बट इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स इज नथिंग बट इनकम टैक्स, ये कॉर्पोरेट टैक्स कुछ नहीं होता है। जनरली कंपनीज जो होती है ना, कंपनीज जो इनकम टैक्स पे करती है, उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। तो कॉर्पोरेट टैक्स इज नथिंग बट कंपनीज जो इनकम टैक्स पे करती है अपनी इनकम के ऊपर। जैसे रिलायंस ने इनकम कमाई तो रिलायंस जो टैक्स पे करेंगी, ठीक है ना, जो भी कंपनीज ने अपनी इनकम कमाई वो अपनी इनकम पे जो भी टैक्स पे करती है, तो दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज कॉर्पोरेट टैक्स। तो कॉर्पोरेट टैक्स कोई अलग नहीं है, कुछ लोगों को बार बार डाउट आता है, मैं को चैट में भी देख रहा हूँ, और कुछ लोगों को सही में डाउट आता भी है ये कि कॉर्पोरेट टैक्स एक अलग चीज है। नहीं, कॉर्पोरेट टैक्स कोई अलग चीज नहीं है। कॉर्पोरेट टैक्स इसका मतलब होता है जो कंपनीज इनकम टैक्स पे कर रही है, तो इनकम टैक्स के अंदर ही आप कंपनीज के रिलेटेड भी पढ़ोगे और नॉर्मल इंडिविजुअल जैसे हम लोग होते हैं हमारे से रिलेटेड भी हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना समझो कि कंपनीज जो टैक्स पे करती है उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोला जाता है। क्लियर, क्लियर, यस और नो? ठीक है भाई साहब, देखो यहाँ पे ना एक चीज मैं आपको एडेड एडवांटेज देने वाला हूँ अपनी क्लास के अंदर, बस लास्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी क्लास के अंदर मैं एक एडेड एडवांटेज देने वाला हूँ आपको। बेसिकली मैं सिर्फ पढ़ाता नहीं हूँ, ये शायद आप लोगों को पता है या नहीं पता है, मेरे को मालूम नहीं। बेसिकली मैं पढ़ाता नहीं हूँ सिर्फ, मैं प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिस भी करता हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी की। बींग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं सीए की प्रैक्टिस करता हूँ, मेरा ऑफिस है, बेसिकली क्लाइंट्स है, पढ़ाना तो मेरा शौक है, पैशन है, ठीक है ना, बट इसके साथ साथ मेरा प्रैक्टिकल वर्क जो है टैक्सेशन की प्रैक्टिस है, टैक्सेशन और फाइनेंस की, ठीक है ना, मेरी एक टैक्सेशन और फाइनेंस की क्या है प्रैक्टिस है। तो बोलने का मतलब यह है कि जो तुम पढ़ रहे हो ना, जो मैं तुमको पढ़ाऊंगा वो सारी चीजें मैं रोज डेली बेसिस पे प्रैक्टिकल लाइफ में कर रहा हूं। टैक्स बचाना, बात बोला नहीं, टैक्स बचाना लोगों का, टैक्सेशन का ज्ञान देना, टैक्सेशन से रिलेटेड काम करना, फाइनेंस से रिलेटेड काम करना, तो ये रोज मैं कर रहा हूं। तो बेसिकली आप लोगों को क्लास के अंदर सिर्फ मैं थियोरेटिकल चीजें नहीं पढ़ाऊंगा, ये टैक्सेशन प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट होता है, आफ्टर बिकमिंग अ कंपनी सेक्रेटरी आप इससे पैसा कैसे कमा सकते हो, और इवन मैं यहां तक गारंटी दे रहा हूं कि आफ्टर एग्जीक्यूटिव, आपने अगर यहां पे टैक्स पढ़ लिया मेरे से और आपका जिस दिन टैक्स की क्लास खत्म हो जाएगी ना, उस दिन मैं गारंटी देता हूं कि तुम खुद वो टैक्स से पैसे कमाने के काबिल हो जाओगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सीरियसली बोल रहा हूं कि टैक्सेशन प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे वर्क करता है एंड ऑल। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के बारे में एग्जांपल दूं, तो जैसे ये इनकम टैक्स का जो काम होता है वो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके होता है, ठीक है ना। तो जैसे हम चले गए इनकम टैक्स, pe, अच्छा कोई भी गवर्नमेंट की वेबसाइट जो रहेंगे ना उसके बाजू में लिखा रहेगा .gov.in, हमेशा ये याद रखना। तो इनकम टैक्स यहाँ पे जाके किस तरीके से हम काम करते हैं इनकम टैक्स के, ये दिख रहा है आपको, आज की तारीख में 11 करोड़ लोग यहाँ पे रजिस्टर्ड है, 3.5 लाख लोगों ने रिटर्न भरा है, सॉरी कम पढ़ लिया मैंने शायद, क्लियर। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली किस तरीके से वर्कआउट होती है वो भी बताऊंगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ GST की, तो GST किस तरीके से काम करते हैं हम लोग, GST.gov.in, यहाँ पे किस तरीके से वर्कआउट होता है, ये सारी चीजें एवरीथिंग। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको GST का लॉगिन दिख रहा होगा, जैसे आपके फेसबुक वगैरह पे लॉगिन रहता है, वैसी GST के पोर्टल पे आपको GST से रिलेटेड जो भी काम करना है वो आप GST की वेबसाइट के थ्रू करते हैं। पहले सब मैनुअल होता था, अब कुछ क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया, इनकम टैक्स से रिलेटेड काम भी और GST से रिलेटेड कामकाज भी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो बेसिकली ये सारी चीजें आप लोगों की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को क्या करूंगा, बताऊंगा। तो भाई साहब मैं सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ाने वाला बंदा नहीं हूं, मैं बेसिकली उसको प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है विथ रीजंस, विथ लॉजिक, ये सारी चीजें आपकी क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। क्लियर, मेरे को एक बार चैट में बता दो कितने लोगों को एक्साइटमेंट है इनकम टैक्स और ये टैक्सेशन पढ़ने की, और आज का लेक्चर कितने लोगों को ऐसा लगा, मतलब एक बार जस्ट मेरे को बता दो, मजा आई कि नहीं आई, इनकम टैक्स में इंटरेस्ट आया कि नहीं आया, कि कुछ नया पढ़े कुछ पहली बार। देखो आज तुम ना इनकम टैक्स से कि ABCD पढ़ रहे हो, स्टार्टिंग कर रहे हो, मतलब तुम लोग आज समझो टैक्सेशन की ABCD पढ़ रहे हो और तुम्हारे को एकदम एक्सपर्ट लेवल तक जाना है। मतलब ये बात को तुमको समझना जरूरी है कि तुमने लाइफ में फर्स्ट टाइम आज टैक्स पढ़ा है और एग्जीक्यूटिव में तुमको टैक्सेशन की ABCD से लेकर टैक्सेशन के एक्सपर्ट लेवल तक पढ़ना है, यानी कंपनी लॉ से रिलेटेड भी तुम CSET में पढ़े होंगे
अकाउंट छोटा मोटा किसी भी रिलेटेड तुमने 11th 12th या सीएससी अकाउंट 11th 12th में पढ़े होंगे, बट टैक्सेशन तुम अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हो। सो बेसिकली यहां पे टैक्सेशन के अंदर तुम्हारे को मैं एकदम नीचे से लेके ऊपर के लेवल तक लेके जाऊंगा, समझ में आ रही बात। और ये याद रखना कि टैक्सेशन की बैच हमारी जो होंगी उसके अंदर हम लोग भाई साहब ठीक है ना तुमको सेल्फ सफिशिएंट बना दूंगा, सेल्फ सफिशिएंट सॉरी माय मिस्टेक, तुम्हारे को मैं यहां तक करवा दूंगा, दैट इज कि तुम लोगों को मेरी जरूरत ही ना रहे टैक्स पढ़ने के बाद, तुम खुद ही टैक्स पढ़ाने की भी काबिल हो जाओगे, प्लस तुम खुद ही टैक्स की एक्चुअल प्रैक्टिस भी कर सकोगे। मतलब आफ्टर एग्जीक्यूटिव आप टैक्सेशन का इतना नॉलेज ग्रैब कर लोगे कि आप लोगों को चाहो तो आप खुद से भी टैक्सेशन से रिलेटेड छोटे मोटे काम कर सकते हो। आई एम नॉट जोकिंग, दिस इज द फैक्ट, बट इट इज अप टू यू कि तुमको कितना डिटेल में जाना है। अरे सेल्फ रिलायंस नहीं वे, चलो मालक इसी तरीके से मिलते हैं हमारे आगे के लेक्चर्स में। आई होप आपको आज के लेक्चर में मजा आई होगी, ठीक है ना, अच्छा लगा होगा। तो यार जाते आते एक लाइक और तुम्हारे भाई के लिए एक छोटा सा कमेंट, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर था टैक्स का, तुमने भी जिंदगी में पहली बार पढ़े, मैंने तुमको फर्स्ट टाइम पढ़ाया, वैसे तो मैं बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ, तो एक छोटा सा कमेंट अगर तुम कमेंट सेक्शन में डाल दोगे कि तुमको ये डेमो कैसा लगा, मेरा लेक्चर कैसा लगा, तो तुम्हारे भाई को अच्छा लगेगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। आज आपके दो डेमोज थे, ठीक है ना, बाकी